मपीतकृत्यं द्वैपायन विरहकार आजुभाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वो विनेतुं स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमान तुस्मि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदिरे श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंद बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे श्री श्री मार्गदर्शी श्री रूप सिद्धार्थ गोस्वामी महाराज की चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरु पाद पद्म नितलीला प्रविष्टम विष्णु पाद अष्टोत्तर सत श्री 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 मार्गदर्शी राम नारायण गोस्वामी महाराज के चरणों शरण में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवियों को यथाजोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्णा। गतकल हम लोग श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवत कथा की महात्म्य को। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, अगर किसी ग्रंथ की महिमा हमें समझना हो, हमें चार दृष्टिकोण से ग्रंथ के ऊपर में विचार करनी चाहिए। कहते पहला नंबर है, ये भागवत कथा को कौन सुन सकता है। लेकिन श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, जन्मांतरे भवेत पुण्यम तथा भागवत लब्धम। कहते एक जन्म नहीं, कहते करोड़ों करोड़ों जन्म का जब कोई सौभाग्य उदय हो तभी ये भागवत कथा कोई सुन सकते हैं। अगर कोई बोले हम तो इतने पुण्य किया ही नहीं, हम तो पापी ही पापी है, फिर क्या ये कथा सुनने का हमारी अधिकार नहीं। तब उसके लिए उदाहरण दिया, कल हम लोग श्रवण कर रहे थे धुंधुकारी की कथा। ये धुंधुकारी इतना बड़ा पापी था, जब उसका नाम पर गोकर्ण ने पिंड प्रदान की गया में, लेकिन गया में ठाकुर का चरण चिन्ह है, भगवान का वरदान है। अगर कोई पितृपुरुष का उद्देश्य में गया में आए, वहाँ पिंड प्रदान करे, उसको सारे पाप मुक्त तो हो जाता है। लेकिन जब गोकर्ण पिंड दे करके आया, देखा फिर प्रेत बन करके बैठा हुआ, बोले तेरे नाम पर मैंने जो पिंड दिया तेरी मुक्ति नहीं मिली। कहते भैया मैंने इतना पाप किया, मेरे नाम पर 100 बार भी कोई पिंड दे दे तभी मेरी मुक्ति होने वाले नहीं, इतना बड़ा पापी था समझो। लेकिन इतने बड़े पापी को मुक्ति मिली तो मिली कैसे, बोले भागवत कथा से। इसका तात्पर्य यह है, ये भागवत कथा में इतने शक्ति है। कहते कि पापी को पापी जिनको किसी तरह से उद्धार नहीं होता है, ये भागवत कथा से उन्हें भी मुक्ति मिल जाती है। इसलिए कथा सुनने का पहला अधिकार किया, बोले पापी से पापी सुन सकता है, लेकिन एक अधिकार श्रद्धा। क्या अधिकार क्या है? हमारे मन के अंदर में श्रद्धा भक्ति होनी चाहिए, तब हम कथा सुन सकते हैं। इसलिए पापी से भी पापी सुन सकता है। अगर कोई सोचे हम क्या कम जानता हूँ, हम सब पढ़ करके रखा, हमें सब सुनने का कोई ज़रूरत नहीं, हम बहुत बड़ा विद्वान सब जानता हूँ कथा को। इसके लिए उदाहरण दिया, कहता आप सुखदेव गोस्वामी जैसे इतने बड़े विद्वान अब नहीं हो। कल हम सुन रहे थे ना, सुखदेव गोस्वामी कौन है, बोले प्रिया सुख श्री वृषभानुजाया पवित्र चंचो प्रिय चंबनीना एकांतक नन्न रहस्य पाठी निकुंज प्रसाद सदा निवासी। ये सुखदेव गोस्वामी राधा रानी की निकुंज मंदिर में ये रहने वाले, राधा रानी जिनको चुंबन करती थी, जिनके अधरामृत उनकी थोट में लगा हुआ, और ये जन्म से ही
कहते ना जम प्रभजन तम अनुपेत अपेत कृतम, वो जन्म से ही परम ब्रह्म ज्ञानी बन करके चली गई और ब्रह्म में वो डूबे हुए थे। एक होता है ज्ञान और एक होता है विज्ञान, लेकिन ये संपूर्ण रूप में ब्रह्म के ध्यान में जो पूरा डूबे हुए थे ऐसे व्यक्ति। लेकिन भागवत का एक श्लोक जब सुने सब छोड़ छाड़ करके उन्होंने पूरी की पूरी भागवत कथा सुनने के लिए आए। इसका तात्पर्य यह कथा कौन सुन सकते हैं, भले एक पापी से भी पापी क्यों नहीं हो ये भागवत कथा वो भी सुन सकते हैं, और ज्ञानी से एक ज्ञानी क्यों नहीं हो वो भी कथा को सुन सकते हैं। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं भले राम कथा जे सुना ता अघाई, राम कथा जे सुना ता अघाई, कृष्णा कथा जे सुना ता अघाई, कृष्णा कथा जे सुना ता अघाई, रासाद के सजनक तीन नाई, रासाद के सजनक तीन नाई, कृष्ण कथा जय सुना ता अघाई, कृष्ण कथा जय सुना ता गोस्वामी जी कहते हैं। अगर कोई बोले अरे कितना एक ही बात को कितना सुनेंगे, हम सुनते सुनते तो बोर हो गए हैं, बोर हो गए, तब गोस्वामी जी कहते हैं ये समझो वो कृष्ण कथा क्या रस है उसको ये बात पता नहीं। इसलिए नारद जी कृष्ण से दो वर मांगे थे, ये बृहत भागवत अमृत में आता है। पहला वर था बोले प्रभु तुम्हारी कथा सुन करके जैसे किसको तृप्त नहीं हो, बोले जितने सुने बोले और सुने और सुने और सुने। इसलिए भगवान जब पृथ्वी महाराज को बोले तू वर मांगो, पृथ्वी महाराज ने क्या बताए, बोले भक्ति मोहर प्रभवताम तोये में प्रसंग भुआ दनत महिमाम। वहाँ पर कहते बोले प्रभु मेरे को ये वरदान दो अजूत में से मेरे को 10,000 कान दो। भगवान बोले भैया 10,000 कान क्या कर दो, दो कान तो बढ़िया लग रहा है, अगर यहाँ दो कान यहाँ पूरा शरीर तुम्हारी अगर कान ही कान हो जाएगा वो थोड़ी अच्छी लगेगी, अगर पूरा कान कान हो गया तो थोड़ी लगेगी, दो कान तो बढ़िया लग रहा है, तुम 10,000 कान क्यों मांग रहे हो। बोले प्रभु कान तो दो ही रहे लेकिन ये दोनों कान में कृष्ण कथा सुनने की इतनी शक्ति दे दो जैसे 10,000 कानों में जितने शक्ति हो। इसलिए हमारे रूप गोस्वामी क्या कहते हैं, कहते तुंडे तांडव निमित वितनु ते तुंडावली लब्धये, कर्ण क्रड़ो कड़मिने घटयते कर्णा भुदेव स्प्रिया। बोले प्रभु ये जो कृष्णा ये जो दो अक्षर है उसमें कितने उसमें रस भर दिया भगवान ने, जब कर्ण में प्रवेश करता है क्या लगता है जैसे हृदय में रस की धारा बह रही है, जब जीवा में उदय हो जीवा ऐसे थिरकने लग जाती है। कहती है ब्रह्मा जी को तो सृष्टि करना आता ही नहीं, केवल एक जीवा दे दिया कृष्ण नाम जप करने के लिए, उन्होंने अर्धुर खरबुद जीवा क्यों नहीं दिया। बोले जिस समय ये कान में प्रवेश करती है बोले कर्ण करोड़ों कड़म में घटे थे करना बुधेव स्प्रिया, कहते करोड़ों करोड़ों कान क्यों नहीं दे दिए कृष्ण कथा सुनने के लिए। इसलिए यहाँ पर कहते हैं कृष्ण कथा कौन सुन सकते हैं, कहते एक पापी से भी पापी भी सुन सकते हैं और एक ज्ञानी से भी ज्ञानी कथा सुन सकते हैं, क्योंकि कृष्ण कथा सुनकर किसको तृप्त कभी नहीं होता है। जगत में देखो रोटी अगर एक दिन नहीं मिले ना बोले हाय रोटी, दिन भर रोटी का मुंह ही हमने नहीं देखा बोलते हैं ना। अगर रोटी में इतना अगर रस हो सकता है पर भगवान कथा में रस नहीं है, इसलिए कथा को सब सुन सकते हैं। पहला नंबर है अधिकारी कौन, अधिकारी कौन, सबके सब अधिकारी। कहते इसमें भागवत में विषय वस्तु क्या है, बोले इसमें जो विषय वस्तु कोई साधारण विषय वस्तु नहीं, बोले आराध्य भगवान ब्रजेश स्तनय त
तद्धाम वृंदावनम रम्या काचिदुपासना ब्रजवधो वर्गेण जाकल्पिता। कद भागवत में विषय वस्तु कोई साधारण विषय नहीं, कहते श्री ब्रजेंद्र नंदन जो कृष्ण हैं उनकी कथा ये श्रीमद् भागवत में। हाँ, आराध्य भगवान ब्रज से तद्धाम, वो कहाँ रहते हैं? बोले वृंदावन में वो रहते हैं। जो वृंदावन परित्यज्य पाद एकम न गच्छामि, जो वृंदावन छोड़कर कभी कहीं जाते ही नहीं। बोले ये उसमें जो उपासना किसकी बात बताई? बोले ब्रजवधु वर्गेण जाकल्पिता हैं। कहते भागवत में ब्रज गोपियों ने हैं जिस भक्ति को की है, और उद्धव जैसे व्यक्ति, उद्धव कौन है? कहते पांच तरह का भक्त है, ज्ञानी भक्त, शुद्ध भक्त, प्रेमी भक्त, प्रेमापर और प्रेमातुर। इसलिए उद्धव जी को सर्वश्रेष्ठ भक्त बताया गया। उसको ऊपर और भक्त का कोई नाम है ही नहीं, उसको ऊपर भक्त का अंतिम छोर है ये उद्धव जी। लेकिन ऐसे उद्धव भी जब ब्रज में आए, जब उन्होंने ब्रजवासियों का प्रेम को देखा, गोपियों की प्रेम, राधा रानी को प्रेम देखा, कहते ना उद्धव शुद्ध हो गयो, सुनी गोपियों की बोल, ज्ञान बजाई डुगडुगी बाजे प्रेम की ढोल। इसलिए उद्धव जैसे व्यक्ति भी जिनकी भक्ति दे करके वो भी हैं, वो भी उन्होंने जिनकी चरण की एक धूल के लिए जिन्होंने वंदना करते हैं, इसलिए कहते भागवत में ये ब्रज गोपियों ने जो प्रेम की इनकी बात ये श्रीमद् भागवत में। इसलिए विषय वस्तु क्या है? कृष्ण भक्ति, ब्रजेंद्र नंदन, और कैसे उनको भक्ति करनी चाहिए, ये गोपियों ने जैसे भक्ति की, जिसके बात ये भागवत में, कहती ये विषय है। अभी प्रश्न होता है तीसरा नंबर, ये कथा सुने तो किससे कथा सुननी चाहिए? कहती ये कथा केवल वैष्णव से ही कथा सुननी चाहिए, सबसे कथा नहीं सुननी चाहिए है। इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं ये कान देखो दोणा जैसे, जैसे कि दोणे में से पीते ना, जैसे कोई चीज को कोई जूस पीते ही कान का देखो दोणा है। कहती वो कान रूपी जो दोणा है वो सबको देनी नहीं चाहिए, क्योंकि जिसका कोई संबंध ज्ञान नहीं है जिनका, जैसे जो देवा देवी को पूजा करता है, सारे देवा देवी की उपासना का, आज इस देवी को पूजो कल उसी देव का पूजो उसको पूजो, जिसका संबंध ज्ञान जिसका है नहीं, कहते उनसे ये कथा नहीं सुननी चाहिए। फिर क्या होगा? हम जिनसे सुनेंगे उसको ही तो फॉलो करेंगे ना। अगर इधर उधर व्यक्ति से अगर कथा सुनोगे तो तुम्हारी लखे ही दूसरे तरफ में चले जाएगा। इसलिए कथा कहाँ से सुननी चाहिए? कहते केवल वैष्णव से ही कथा सुननी चाहिए। इसलिए क्या बताए? बोले अवैष्णव मुखत गिरनम पुतम हरि कथामृतम, उसके बाद में बोलो श्रवणैव नैव कर्तव्यम सर्पचीष्ट यथा। उदाहरण देते हैं जैसे दूध है, दूध पीने से खुदा निवृत्ति होता है, शरीर में ताकत आती है, लेकिन वही दूध है वो देखने के लिए तो दूध, अगर उसमें सांप मुंह मार दिया तो वो देखने के लिए तो दूध लगेगा, लेकिन अगर पियोगे ना प्राण जाएगा। इसलिए अगर बगैर वैष्णव से अगर ये कथा को सुनेंगे तो ये भागवत कथा कल्याण देने वाले नहीं। उदाहरण देकर समझाए, जैसे समुद्र मंथन हुई, समुद्र मंथन से विष भी निकला और समुद्र मंथन से अमृत भी निकला, दो चीज समुद्र मंथन से निकली। कहते अगर हम वैष्णव से अगर कथा सुनेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें अमृत मिलेगा। अगर जो वैष्णव नहीं अगर उनसे अगर कथा सुनेंगे हमें बीस ही बीस निकलेगा, हमें उसमें भक्ति नहीं मिलेगी, हमें क्या मिलेगा? बीस बीस मिलेगा। इसलिए कहते हैं ये कथा सुनेंगे तो किससे कथा सुनेंगे? वैष्णव से ही कथा सुननी चाहिए। और जो चतुर्थ जो चीज बताते हैं, कहते ये भागवत का जो प्रयोजन क्या है, भागवत का इसमें प्रयोजन क्या? बोले प्रयोजन कृष्ण प्रेम ही यहाँ पर प्रयोजन है, हैं? जिसको ब्रज गोपियों ने दिखाया प्रयोजन। इसलिए कहते प्रयोजन कृष्ण प्रेम, हमें कृष्ण प्रयोजन नहीं है, हमारा क्या प्रयोजन है? क्या कृष्ण प्रेम प्रयोजन, हमारी कृष्ण प्रयोजन नहीं, समझ में आ गया? हाँ, उदाहरण देते हैं, भैया कृष्ण को कल से भी तो देखा, कृष्ण को किसने किसने देखा, चारणों मुष्टि को भी तो देखा, देखे कि नहीं कृष्ण को, अघासुर बकासुर भी तो देखा, किसने नहीं देखा बताओ?
लेकिन क्या इनको भक्ति मिली? चारणों मुष्टि को जितना कृष्ण का नजदीक तक प्राप्त हुआ ना, शायद इतना नजदीक और किसको प्राप्त ही नहीं हुआ। क्योंकि जब रंगशाला में कृष्ण के साथ में जब मल्ल युद्ध कर रहा था चारों, छाती में छाती, बाहु में बाहु, जंघा में जंघा, प्यार में प्यार, जब कोई कुश्ती लड़ते हैं, कैसे लड़ते हैं, ऐसे लड़ते हैं ना, वो इतना कृष्ण का इतना नजदीक किसको प्राप्त हुआ। लेकिन वो क्या सोच रहा था, मौका मिले ना ऐसे पछाड़ दूंगी तो पीस दूंगा कृष्ण को। सख्यात कृष्ण को साथ में लड़ाई कर रहे हैं, लेकिन क्या भावना है, एकदम उसका पछाड़ दूं, एकदम मार डालूं। कंस जिंदगी भर कृष्ण को मारने के लिए पुतना अघासुर बकासुर त्रिणावर्त उसने राक्षसों को भेजते रहा कंटिन्यू, किसी तरह से कृष्ण को मारे हैं। इसलिए कहते भैया कृष्ण, इनको भी तो कृष्ण दर्शन हुआ, राम को रावण ने दर्शन किया, मेघनाद भी दर्शन किया, दर्शन किया कि नहीं, लेकिन उनका कोई लाभ हुआ है क्या? नहीं, लाभ नहीं हुआ। इसलिए हमें कृष्ण प्रयोजन हमारी नहीं है, क्या हमारी प्रयोजन है? कृष्ण प्रेम प्रयोजन है। इसलिए श्री रूप गोस्वामी कहते हैं प्रेम का दो लक्षण है, कितना लक्षण है, क्या क्या? हाँ देखिए बच्चा बड़ा चतुर है, इसलिए उनका दो लक्षण है। कहते सांदर नांदा विशेष आत्मा श्री कृष्णाकर्षणी चसा, ये प्रेम का दो लक्षण है। जैसे दूध को गर्म करते 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 जैसे राबड़ी बन जाती है, उसी तरह जो भगवत प्रेम जब प्राप्त होता है जीव का हृदय में इतना आनंद मिलता है। कहते प्रतिपदम पूर्णामृत आस्वादनम, प्रतिपद पद में पूर्ण अमृत का आस्वादन करता है जब कृष्ण प्रेम प्रकट हो। दूसरा लक्षण क्या है, बोले श्री कृष्णाकर्षणी चसा, जैसे कोई जैसे फूल खिल जाए, अब देखना ये फूल भौंरा को पास में नहीं जाता है, भौंरा क्या करता है, ये फूल को पास में भौंरा आता है। उसी तरह हृदय में जब प्रेम प्रकट होता है ना, भक्तों को भगवान के पास में जाने का जरूरत नहीं, भगवान भक्तों के पास में आते हैं। इसलिए ध्रुव महाराज ने जब तपस्या की, ध्रुव ने भगवान के पास में गए ना, भगवान ध्रुव के पास में आए। इसलिए जब भगवान आ रहे थे वैकुंठ से, जैसे हम लोग कोई मेला देखने के लिए जाते हैं एकदम सज धज करके श्रृंगार करके जाते हैं, उसी तरह वैकुंठ में नारायण श्रृंगार कर रहे थे। भक्तों ने पूछा प्रभु कहाँ जा रहे हो, देखो भगवान क्या कहते हैं, बोले ध्रुव जी को दर्शन देने नहीं, ध्रुव जी को दर्शन करने जा रहा है करने। इसलिए कृष्ण गोपियों के घर घर में आकर कृष्ण मक्खन चोरी करते थे, गोपियां कृष्ण के पास में नहीं आते थे, कृष्ण गोपियों के पास में जाते थे। इसलिए जब हृदय में भक्ति प्रकट हो जाए, प्रेम प्रकट हो जाए, भगवान स्वयं जैसे फूल का खुशबू फैलने पर भौंरा स्वयं आता है, हृदय में प्रेम प्रकट होगा तो कृष्ण स्वयं तुम्हारे पास में आए, तुम्हें कृष्ण के पास में जाने का जरूरत नहीं, ये प्रेम का लक्षण। इसलिए चौथा विषय भागवत में प्रेम ही हमारा प्रयोजन, कृष्ण हमारी प्रयोजन का वस्तु नहीं। बोले श्री भक्तवत्सल भगवान की निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हाँ एक कीर्तन कर देते, एक कीर्तन गा लो तो बढ़िया कर, बराबर गा। सावरिया मीठे मीठे बाजे मधुर तेरी बांसुरिया, सब पीछे पीछे ताली बजाते बजाते हम लोग पीछे पीछे गा, तेरी बांसुरिया Oh, yeah.
जो बंद कर दिया ना क्या ब्रज वासिन को कष्ट निवारो ब्रज वासिन को कष्ट निवारो इसको तेज करो कृष्णा। देखो ये भागवत कथा की महिमा कहते ये दो पुराण में आती है, कहते एक पद्म पुराण और एक स्कंद पुराण है। हाँ तब स्कंद पुराण कथा कह रहे हो। हाँ देखो स्कंद पुराण में जो कथा आती है, माइक ले लो, जो स्कंद पुराण में कथा आती है वहाँ पर श्रोता कथा को कैसे सुननी चाहिए, श्रोता का लक्षण उसमें आती है। इसलिए जो श्रोता है कहते दो तरह के, कितने तरह के कल मैं सबको पूछूंगा, अब मेरे को बताना पड़ेगा। इसलिए श्रोता दो तरह के कहते, एक उत्तम श्रोता और एक कनिष्ठ साधारण श्रोता है। और जो उत्तम श्रोता वो भी चार ही तरह के, कितने तरह के चार। हाँ बोले पहला नंबर है हंस,
जैसे हंसों को आप दूध दो, देखना वो तो दूध दूध को पी लेता है और पानी पानी को ये छोड़ देता है। इसका तात्पर्य है, अगर हम अच्छे श्रोता बने ना, जीवन में सारांश को तो ग्रहण करेंगे और असार को छोड़ देनी चाहिए। और जो दूसरा श्रोता है, ये चातक है कि चिड़िया, ये चिड़िया की एक स्वभाव है, ये स्वाधीन नक्षत्र का पानी के बगैर कोई पानी ये पीता ही नहीं, भले ही गंगा पानी क्यों नहीं हो, तभी ये गंगा का पानी भी ये नहीं पिएगा। पिएगा तो वो स्वाधीन नक्षत्र का जो बारिश हो ना, उसी पानी को पिएगा। अब देखना ये चिड़िया हर समय प्यास अहम चित्कार करते रहता है, मेरे प्यास ही हो, पानी 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 करके। इसका तात्पर्य क्या है, हमें कौन सा कथा सुननी चाहिए, ऐसे नहीं कुछ भी कहीं भी कुछ कथा हो रही बैठ कर कथा सुनने लग जाए सारा दुनियादारी की। बोले नहीं, कहते सुनेंगे तो केवल कृष्ण कथा ही सुनेंगे, भगवान की कथा सुनेंगे, ठाकुर जी की कथा को छोड़ करके इधर उधर की बात हम नहीं सुनेंगे। कहते ये चातक है। और जो तीसरा नंबर है, कहते तोता, ये तोता में एक विशेष महत्व क्या है, वो किसी कच्चे फल में कभी चोंच नहीं मारेगा, उसको पता है कौन सा फल पक्का है, मुंह मारेगा तो पक्के फल में ही मुंह मारेगा। इसका मतलब क्या है, जहाँ तक हमें मुंह नहीं मारनी चाहिए, कहाँ मुंह मारनी चाहिए, मारनी चाहिए तो पक्के फल, पक्के फल मतलब भगवान की मधुर मधुर कथा में ही हमें मुंह मारनी चाहिए, जहाँ तक मुंह मारनी नहीं चाहिए। और जो चौथा जो लक्षण जो श्रोता है, मछली, मछली देखे हो, इसलिए मछली देखेगी नहीं, आप देखना मछली की जो आंखों का जो पलक है वो कभी झपती नहीं, वो एकदम हर समय उसका आंख खुली रहती है, हैं? जैसे वो एकदम खुली हुई, जैसे उसमें केवल दूध दूध को पान करती है मछली। कहते श्रोता का चौथा लक्षण है, कथा कैसे सुननी चाहिए, मछली जैसे कथा सुननी चाहिए। मतलब क्या है, मतलब आंख फाड़ फाड़ करके। अब देखना जब कोई व्यक्ति बढ़िया श्रोता होता है ना, एक मन से एकदम आंख फाड़ करके, मतलब एकदम आंख नजर जैसे इधर उधर हटे नहीं, आंख खोल करके एक नजर से कथा सुनते हैं। पंचमा भी है, कहती है भ्रमर, मधुमक्खी। देखना एक होता है मक्खी और एक होता है मधुमक्खी। मक्खी कहाँ बैठेगा, यहाँ पर गंदा चीज में बैठेगा, हैं? गंदा चीज में बैठेगा। लेकिन मधुमक्खी कहाँ बैठेगा, फूलों में बैठेगा, हैं? जैसे फूलों में बैठ करके शहद को लेकर के बड़े सुंदर एक मधुमक्खी की छत्ता बना देता है। कहते उसी तरह हमें मक्खी नहीं बननी चाहिए, हमें मधुमक्खी बननी चाहिए। कहते ये हो गया पांच तरह का अच्छा श्रोता है, उत्तम श्रोता। कहते पांच तरह का साधारण श्रोता है। कहते पहला नंबर है भुरुंडू, ये एक चिड़िया, ये हिमालय पर्वत में रहता है। इसका स्वभाव है वो जैसे सुनेगा ठीक एजेटीजी आपको ठीक वैसे सुना देगा, लेकिन वो जब करेगा ना वो पूरा के उल्टा उल्टा करेगा, वो सीधा नहीं करेगा, पूरा के पूरा उल्टा सुनेगा, भी सुना भी देगा, लेकिन अपना जीवन में कभी एक चीज को उन्होंने नहीं उतारेगा। देखो एक छोटी सी कहानी सुनो। बोले एक समय कोई एक कथाकार था, रोज रोज जा मंदिर में कथा करता है। उसकी पत्नी थी, बोलती थी देखो तुम रोज रोज जाते हो कथा करने के लिए, मेरे को भी तो कभी कभी ले जा। बोले तू पंडित यानी तेरे को सुनने का क्या जरूरत है, तेरे को कोई जरूरत नहीं। एक समय एकादशी की व्रत आई, बोले आज कम से तो ले चलो, हमने सुना आप बढ़िया कथा वाचते हो, आज तो ले चलो। पीछे बढ़ गई, बोले चल तू पंडित यानी तू भी चल। गई गई तो पंडित ने एकादशी का दिन था, उसने एकादशी की इतने महिमा सुनाए, हैं? एकादशी से ये कल्पतरु व्रत है, ऐसे कोई चीज नहीं जो एकादशी व्रत करने से नहीं मिलता है। और एकादशी दिन अन्न में गोहत्या, नर हत्या, ब्रह्म हत्या, भ्रूण हत्या, पिता माता हत्या, सब एकादशी व्रत में सबके सब विश्राम करते हैं। अनजान में भी कहीं अगर पति पत्नी में लड़ाई हो गई, उनको पता ही नहीं आज एकादशी है, अगर ऐसे भी अगर किसी ने एकादशी व्रत भी कर दिया ना, उसको भगवत प्राप्ति हो जाती है। पाप मोचन एकादशी, पुत्र दा पुत्र को देने वाले, लक्ष्मी देने वाले, हर एकादशी का देखना ये अलग 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 नाम हर एकादशी का, मतलब एकादशी व्रत में सब कुछ मिलता है।
इतने उन्होंने अम्बरीश महाराज करते थे मैया जसोदा, इतनी एकादशी कथा सुनाई। पंडित यानी बोली, ये पंडित जी हमें कभी नहीं लाते थे एकादशी की इतने महिमा, जो मांगो वो देता है और एकादशी का दिन अन्न भोजन नहीं करने चाहिए, सारे पाप रहता है। इतने में पंडित यानी आई घर में, उन्होंने फलाहार बनाई। जब फलाहार बना करके दिया पंडितों को परोसा, पंडित ने कहा तुमने पूरी नहीं बनाई, आलू की सब्जी नहीं बनाई तुमने, हलवा नहीं बनाई। बोले क्यों, आज तो आप एकादशी की इतने महिमा, हाँ इतने महिमा एकादशी सुना रहे थे, एकादशी जैसे व्रत नहीं, आप तो इतने सुंदर कथा सुना रहे थे। बोले ये तो दूसरों के लिए सुना रहा था, ये थोड़ी तुम्हारे लिए। मैं जब वहाँ से निकलता हूँ ना, अपना पल्लू को जोड़ कर हाँ झाड़ करके वहाँ से आता हूँ और सुनाता हूँ दूसरे के लिए, मेरे लिए नहीं। इसलिए पहला नंबर है भुरुंडू, ये सुनेगा और सुना भी देगा, लेकिन अपना जीवन में एक अक्षर अपना जीवन में उतारेगा नहीं, कहती ये भुरुंडू है। दूसरा नंबर है बैल। अब बैल को आप सुंदर सुंदर कोई फल दो और भूसा दो, इसमें ये कोई फर्क नहीं मानता है, ये दोनों को बराबर मानने वाले हैं। इसका मतलब क्या है, भगवान की कथा हो नहीं तो दुनियादारी की इधर उधर की बात है, बैठ करके उसकी बेटी ने उसको साथ में भाग गया, उसके घर में बहू को साथ में लड़ाई हो रही है, और सास ससुर में बनती नहीं, जानते हो मेरी बहू क्या करती, बस बैठ गई ना सारा दुनिया की बात, लेकिन भगवान की कथा छोड़ करके सारा, और भगवान की कथा में वहाँ भी जाकर बैठ जाएगी, नहीं सब चीज़ को बराबर नहीं करनी चाहिए। सुननी चाहिए तो किसकी कथा सुननी चाहिए, भगवान की कथा सुननी चाहिए, दुनियादारी की कथा भगवान की कथा जैसे दुनियादारी कथा बराबर नहीं करनी चाहिए, इसको कहते हैं बैल। तीसरा नंबर है ऊँट। ऊँट अब तो देखे राजस्थान में तो ऊँट रहते, देखे कि नहीं ऊँट को, अब ऊँट को कोई कोमल कोमल कोई पत्ता दो कोई चीज़ दो वो खाएगा नहीं, वो ढूंढेगा कहाँ पर बबलू का पेड़ कांटा के मृत कहाँ पर। इसका मतलब क्या है, कहते ऐसे कुछ लोग है जहाँ पर भगवान की मधुर से भगवान की मधुर कथा होता है वहाँ नहीं बैठेगा, कहाँ पर बैठेगा, जहाँ पर कांटा, कांटा मतलब क्या है, जहाँ पर दुनियादारी की बात है, हैं किसी व्यक्ति को ऊपर से बोले कैसे वो ठीक ठाक है, लेकिन बैठ करके जब बात करेंगे, कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन से दुखी, कोई सास से दुखी, कोई ससुर से दुखी, कोई बहू से दुखी, कोई बैठ करके सारा दुनिया दुख, अब संसार की बात बोलो, अब बात बोल कर जाओ दुखी दुखी हो जाओगे, लेकिन अगर भगवान की कथा सुनो तो आनंद ही आनंद है, है? भगवान की कथा में आनंद ही भगवान की कथा में आनंद है। कहते ये सब कुछ ऊँट है, जो भगवान की मधुर कथा छोड़ करके जहाँ केवल कांटा युक्त कथा वहीं पर जा करके जो बैठते हैं, कहते ये हो गए ऊँट। कितना हो, कितना तरह का हो गया, तीन तरह का हो गया, अभी चार तरह हुए नहीं, हाँ चौथा जो नंबर है कहते ये गधा। गधे को पीठ के ऊपर अब देखना, यहाँ पर तो गधे नहीं है, एक गधे के पीठ के ऊपर में विशेष करके पहाड़ के ऊपर में गधे को व्यवहार करते हैं, उसको पीठ के ऊपर में दाल चावल हैं चीनी सब उसको पीठ के ऊपर में सब लद करके ले जाएंगे, लेकिन कभी उसको एक पराठा बना करके नहीं खिलाएंगे, कभी एक ग्लास शरबत नहीं देंगे, वो क्या कहता है, वही भूसा खाएगा घास ही खाएगा। इसी तरह कहते हैं सारे शास्त्र को तो, कोई कोई सारे शास्त्र को तो पीठ के ऊपर ढोते रहते हैं, लेकिन उसका जो सार है ना, ये सार को अपना जीवन में जो नहीं उतारते हैं, कभी ये सब के सब गधे हैं। इसलिए बोले और तीन तरह का श्रोता है, एक श्रोता, एक सरोता और एक श्रोता, एक श्रोता एक सरोता और एक श्रोता है। बोले श्रोता कौन है, बोले आ करके देखेंगे कहाँ पर बैठने पर बढ़िया नींद आएगी, और देख देख करके वहीं पर आ करके बैठे के जहाँ पर कथा हो बस बढ़िया से सो सकते हैं, उनको क्या बोलते हैं, वो सोता है, हैं। और दूसरा नंबर है सरोता। सरोता मतलब होता है जिनकी कथा से कोई मतलब नहीं, वो देखते हैं कहाँ पर ही गलत कर रहे हैं, कहाँ पर गलत बोल रहे हैं। बोले यहाँ पर तो तोता तो आपने लगाया नहीं कथा में, और कथा को पहले ये नवग्रह को जो पूजा करते हैं, ये कहीं नवग्रह पूजा का हम लोग केले का पेड़ तो लगाए नहीं यहाँ पर कहीं, और ये नवग्रह तो पूजा पूजा कुछ करवाए नहीं, नवग्रह तो पूजा हो आ करके केवल दोष दोष जो देखने का स्वभाव है,
लेकिन जब सुखदेव गोस्वामी जब कथा कर रहे थे वो कहीं नवग्रह की पूजा हुई थी, कहीं नवग्रह की पूजा हुई थी, इधर उधर आए, अभिशाप उनको लगा, परीक्षित महाराज को गंगा किनारा में आश्रय किए, ऋषियों को प्रश्न किया, जब इधर उधर बात कर रहे थे ठाकुर जी से प्रार्थना किए, ठाकुर जी केवल मेरी मन में एक ही इच्छा है, आपने गर्भ में मुझे दर्शन दिया था, अंतिम इच्छा केवल तुम्हारी कथा सुनते सुनते मेरा जैसे जीवन बीत जाए। ठाकुर की इच्छा से श्री सुखदेव गोस्वामी प्रकट हुए और आकर के बैठे, प्रश्न किया, सीधा कथा प्रारंभ हो गई। वो क्या नवग्रह की पूजा हुई थी, जहाँ पर साक्षात कृष्ण की कथा हो रही है भगवान की, नवग्रह की पूजा क्या जरूरत है, हैं ये नवग्रह बाधा को दूर करने, नवग्रह दूर करेगी ठाकुर की कथा में, ठाकुर का कथा साक्षात ठाकुर जी है। इसलिए सरता मतलब होता है जैसे सुपारी काटते ना, सुपारी है जैसे काटता रहता है, इसलिए जो केवल दोष दोष ही देखने वाले, जिसमें कथा में जिसका कोई मतलब नहीं, कहते श्रोता कौन है, जो केवल जैसे तोता है, जैसे हंस है, जैसे मछली है, जैसे भ्रमर है, हैं। इसलिए ये जो जीवन में कथा का जो सारांश को अपना जीवन में जो उतारते हैं, कहते ये वास्तव रूप में यही सही श्रोता है, जिसमें ये श्रोता को जिसमें निरूपण किया है। फिर वहां पर कहते जो कथा है, कहते ये चार तरह के, कितना तरह के क्या किया है बोलो, कौन किसको पता है बोलो, चार तरह का कथा है बोलो, किसको पता नहीं बोलो, क्या कथा चार तरह का, हाँ इसलिए कल सबके से बोलना, कहते सात्विक, राजसिक, तामसिक और निर्गुण, कहती ये कथा ये चार तरह का कथा है। देखिए इसलिए आप बच्चे लोग सब नोट करो, जैसे एक बार सुने ना पूरा भागवत कथा करना शुरू कर देना, ठीक है। इसलिए चार तरह का श्रोता है, कहते सात्विक, राजसिक, तामसिक और निर्गुण। कहते ये सात्विक की कथा किसको कहते हैं, कहते सात्विक की कथा उससे कहते हैं जैसे एक महीना नहीं तो दो महीना कथा तो सुने, लेकिन उसको बाद में फिर कथा बता से कोई मतलब नहीं रह गया। राजसी कथा किसको कहते हैं, जैसे कथा की आयोजन किया खूब आडंबर से, सारे परिवार से निमंत्रण देते हैं, हाँ हमारी कथा हम कर रहे हैं, अभी तो जगत में ज़्यादा दिखावा हो जाता है, बोले उसने 10 लाख रुपया खर्चा किया, मैं उसमें 20 लाख रुपया खर्चा करूँगा, दुनिया को दिखाऊंगा मैंने कितने दान पुण्य किया, कितने हमने आडंबर किया है, ये अभी तो कल दिखावा हो जाता है, हैं कल दिखावा के लिए जिसने बड़े आडंबर से कथा किया, उन्होंने करके सारा दुनिया को बुलाया, कौन कहाँ पर रुकेंगे, क्या क्या खाएंगे नहीं खाएंगे, चाय पानी मिला कि नहीं, केवल व्यवस्था व्यवस्था में जो केवल बिजी रह जाते हैं, जिनको ये कथा बता से कोई मतलब नहीं, हमने रुक्मिणी की शादी करवाया, हमने दहेज इतने रुपया दिया, कृष्ण का जन्म उत्सव किया था हमने, एक गैया दो गैया हमने दान दिया ब्राह्मण को, बड़ी धूमधाम से उन्होंने कथा को दूसरों को दिखाने के लिए खूब ठाड़ बार से कथा किया, लेकिन ठंड ठंड मदन गोपाल एक जीवन में कुछ भी ग्रहण नहीं, जीवन में कुछ भी ग्रहण का कोई मतलब नहीं, बस इतने पैसा किया दुनिया को बोलेगा हमने ये किया ये किया, जीवन में एक अक्षर भी भागवत का आचरण में नहीं। इसलिए कहते हैं अगर सारी भागवत कथा सुन करके अगर जीवन में हमने हरि नाम को आश्रय ग्रहण कर लिया, भगवान का नाम को अगर हमने आश्रय ग्रहण कर लिया, समझो भागवत कथा सुनना, भागवत कथा करवाना हमारी धन्य हो गया है। क्योंकि जो भागवत का सार क्या है, भगवान का नाम ही भागवत का सार। इसलिए श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं ये भागवत का एक अलग नाम दिया, नाम पुराण, क्योंकि भागवत में नाम की महिमा जितने ये भागवत में बताया और किसी पुराण में नाम की महिमा इतना नहीं बताया। जब अजामिल कथा आएगा हम सुनेंगे, जब सुखदेव गोस्वामी उत्तर देंगे सुनेंगे, नाम की इसका भागवत का एक महिमा है नाम पुराण। बोले श्री नाम पुराण की, जोर से बोलो, बोले श्रीमद भागवत कथा मृतम की, बोले श्री सचिनंदन गौर हरि की, निताई गौर ब्रह्मानंदे हरि हरि बोल। इसलिए कहते इसको कहते हैं राजसी कथा जिसको कहते हैं, कहते तामसी की कथा किसको कहते हैं, कहते जैसे 7 दिन हमने कथा रखवाई, कथा रख कभी इच्छा हुआ तो कथा में आ गए, नहीं तो कभी कथा में नहीं आए,
नहीं तो आधा आधी कथा में आए, नहीं तो किसी तरह से सात दिन जैसे तैसे किसी तरह से कब ये कथा खत्म हो, कि अभी तक भी खत्म नहीं हो रहा है, हैं? इसलिए किसी तरह से सात दिन जैसे तैसे करके ये बिता देना, इसको कहती ये तामसी कथा है। लेकिन ये सही कथा किया है, निर्गुण कथा किसको कहते हैं, बोले सदा से व्याम श्रीमती भागवती वार्ता। जिसने भागवत को ही अपना जीवन बना दिया, रोज नियमित करके क्या करे, ब्रह्म मुहूर्त में उठे, स्नान करे, तिलक लगाए, ठाकुर का आरती उतारे, गुरु मंत्र जप करे, हरि नाम करे, ठाकुर को भोग लगाए, तुलसी परिक्रमा करे ठाकुर जी की, अपना हरि नाम को नियमित पूर्वक अपना हरि नाम करे, गीता हो भागवत हो कोई भक्ति ग्रंथ को नियम करके रोज रोज किसी ग्रंथ को रोज अध्ययन करनी चाहिए, शास्त्र को रोज। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं श्रवण कीर्तन जले करे सचन, गुरुदेव तो हरि नाम दे दिया हमें, हमारे हृदय रूपी खेत में गुरुदेव नाम रूपी मंत्र को तो बीज को बो दिया, अगर उसमें पानी नहीं देगा तो कब तक ये पेड़ रहेगा, सूख जाएगा। ये पानी क्या है, ये पानी ये है नित्य नियमित पूर्वक ये भक्ति के अंक जाजन करना, रोज हरि कथा सुननी, भागवत का कोई ग्रंथ को नियमित करके रोज उसको पढ़े। जिसने अपना जीवन को ही भागवत में बना दे, इसको कहते हैं ये वास्तव रूप में ये निर्गुण है, इसका जीवन ही भक्तिमय हो जाए, हैं? इसलिए यहाँ पर श्रोता और वक्ता और भागवत की महिमा को ये स्कंद पुराण में बताया। हमारे बीच में श्री खड़े जाओ प्रभु जी, ये हमारे जनार्दन प्रभु जी, ये पद्म पुराण, ये स्कंद पुराण में कल हमने जो कथा सुनी थी, सिड़ाई जाओ, इसलिए कल जो हमने कथा सुनी थी ये पद्म पुराण का कथा था, इन्होंने आज ये बताएंगे ये स्कंद पुराण में ये भागवत की जो महिमा है स्कंद पुराण में, ये पूरा वृंदावन की कथा है, बहुत अच्छी प्यारी कथा है। हाँ, ये आज प्रभु जी आपको सुनाए, कौन सी कथा को फेंटी बनी सीधा सीधा कही। गुरवे गौरचंद्र राधिकाये सदारे कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमः। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। यं प्रव्रजन्तम् अनुपीतमपेतकृत्यम् द्वैपायन विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदु स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जये मुदीरये। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। सर्वारम्भे व्यासासन अस्मदी गुरुपाद पद्म परिव्रजकाचार्य त्रिदंड स्वामी विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत सिद्धर गोस्वामी गुरु महाराज जी के अपने चरणारविंद में सिंह के पूरी प्रणी का ज्ञापन करते हुए उनके अहितु की कृष्ण कृपा शक्ति की वांछा करता हूँ। परम समस्त रूपानु गौड़ीय परंपरा भक्ति वेदांत सिद्ध परम गुरु नारायण गोस्वामी महाराज जी, परम गुरु महाराज भक्ति श्री सिद्धांत गोस्वामी महाराज जी, जगत गुरु श्री भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी के चरण में अनंत कोटि धन्यवाद प्रणाम करता हूँ। आप सभी भक्तों के चरणों में धन्यवाद करना प्रणाम करता हूँ। तो हम लोग भागवत की महिमा श्रवण कर रहे हैं। पहले तो बताया जाता है कि महिमा श्रवण करने का प्रयोजन क्या होता है। जैसे कोई व्यक्ति है उसको कोई वस्तु को सेवन करना होता है, सबसे पहले उसके बारे में जानना होता है, उसको तत्वतः उसकी महिमा क्या है। कैसे, मान लो किसी व्यक्ति को समझना, किसी व्यक्ति को वो रोज दूध एक गिलास पीता है, अब उसको हुआ है कैंसर, वो कभी तो पीता है कभी पीता नहीं है, पर डॉक्टर के पास आया, डॉक्टर को बोला मेरा ये कैंसर जो बीमारी है कैसे ठीक होगा। डॉक्टर ने उसे बोला कि देखो रोज एक गिलास दूध डेली तुम्हें नियमित रूप से पीना पड़ेगा, दो महीना पियो ये अपने आप ठीक हो जाएगा। उदाहरण तौर पर लिया, आपको जो दूध पिएगा वो तो पहले कैसे पीता था, कभी पी लिया कभी नहीं पिया, कभी आधा गिलास तो कभी दो गिलास पी लिया, अब जब वो पिएगा वो कैसा पिएगा, रोज एक गिलास नित्य प्रति एक प्रकार की सेवन करेगा।
क्यों? क्योंकि उसको अभी पता चल गया ना महिमा क्या है, दूध से कितनी बड़ी बीमारी सही हो सकता है। इसीलिए हम महिमा को कल से आज तक क्यों श्रवण कर रहे हैं, क्योंकि अभी जो कथा शुरू होने वाला है, अभी जो सुखदेव गोस्वामी को, सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज जी को जो कथा सुनाया है, वो किस रसिक तो होकर के ग्रंथ रूप में विराजमान है, यदि हम उसको श्रवण करने की इच्छा को प्रबल नहीं करेंगे, वास्तविक रूप में वो श्रवण नहीं हो पाएगा। तो इसी कारण से हमारे श्रवण उत्साह को बढ़ाने के लिए इन अन्य पुराणों में श्रीमद् भागवतम की महिमा प्रकाशित हुआ है। दूसरी तो है, पहली कल जो हमने श्रवण किया था भक्ति देवी की और धुंधुकर गोकर्ण की कथा, इससे अलग अलग मनवांछित जो कामना को पूर्ति के बाद कृष्ण प्रेम जो है, ये सर्व दुर्लभ वस्तु को भी इस कथा के माध्यम से प्राप्त हो जाता है। अभी गुरु जी ने आदेश दिया है स्कंद पुराण की महिमा, जो कि संपूर्ण रूप में ब्रज के अंदर ही हुआ है, पर यह सर्वप्रथम कथा है जो भागवत की महिमा ग्रंथ प्रकाशित किया है। जब श्री ठाकुर जी सब ब्रज को छोड़ के चले गए, इसलिए उनके जो प्रपुत्र थे बज्रनाभ जी, बज्रनाभ जी उनके बेटे के बेटे के बेटा, यानी कि प्रद्युम्न के बेटे अनिरुद्ध और अनिरुद्ध के बेटे बज्रनाथ जी, अब उन बज्रनाथ जी को ब्रजमंडल क्षेत्र की राजा बना करके गए। अब उनकी जो परीक्षित महाराज जी जो है वो पूरा हस्तिनापुर और संपूर्ण जो विश्व के कौन है राजा है, और युधिष्ठिर महाराज जी के जो बेटा है कौन, अर्जुन के बेटा कौन है अभिमन्यु, और अभिमन्यु के बेटे कौन है परीक्षित महाराज जी। अब ये दोनों संबंध से बज्रनाथ और जो परीक्षित महाराज, ये चाचा और भतीजा लगते हैं। चाचा कौन है? परीक्षित महाराज, और भतीजा कौन है? बज्रनाथ जी। तो इन्होंने देखा कि मेरे तो अभी जो पूर्वज थे वे लोग चले गए, कृष्ण भी छोड़ के चले जा चुके हैं, जरा जाकर के देख के आऊं तो मेरा जो भतीजा है बज्रनाथ को ब्रजमंडल किस प्रकार वो राज्य शासन कर रहा है। एक दिन परीक्षित महाराज बज्रनाथ जी के पास आए ब्रजमंडल में हस्तिनापुर से, तब उन्होंने देखा कि संपूर्ण ब्रज जो है, संपूर्ण ब्रज खाली पड़ा है, ना कहीं पे कोई चींटी भी तक जीवित है, कोई गाय ना है, ना कोई ब्रजवासी है, कहीं पे भी किसी भी प्रकार कोई किसी भी प्रकार की कोई मतलब एक गतिशील क्रिया कहीं पे भी दिखाई नहीं पड़ी उनको। तो बड़े दुखित छिन्न चित्त से वो परीक्षित बज्रनाथ जी के पास आए, और बज्रनाथ जी के पास आकर के पूछते हैं बज्रनाथ तुम ठीक कहो? तो बज्रनाथ जी कहते हैं जहाँ पे मैं किस प्रकार का राजा हूँ, बिना प्रजा के राजा, और जो बिना प्रजा के राजा होता है वो ना तो राजा होता है और ना वो प्रजा होता है, इसीलिए मैं तो शासन करने के लिए मेरे पास कोई भी नहीं रहा, इसलिए किस प्रकार से मैं सुखी हो सकता हूँ। तब परीक्षित महाराज जी पूछते हैं तो बज्रनाथ ये सब लोग ब्रजवासी कहाँ चले गए, कृष्ण जाने के पश्चात ये ब्रजवासियों का क्या हुआ? इन सारे प्रश्नों को लेकर के दोनों ने ही वहां पे जो एकमात्र वहां पे यमुना किनारे पर्ण कुटीर में जो भजन करने वाले जो एक संत थे उन्हीं के पास गए, देखा कि वही है, नहीं तो न दुह्यंती मातर न ऋष्यंती वत्साहा के कहीं पे भी कोई ना गाय है न बछड़ा है, कोई भी नहीं है। तो इस बात को देख करके दोनों ही सांडिल्य ऋषि के पास आए। ये सांडिल्य ऋषि कौन है? ये कृष्ण के कुल पुरोहित है, जिस समय कृष्ण कुल पुरोहित होते हैं ना, अपने कुल को पुरोहिताई करते हैं, तो ये कृष्ण के कुल पुरोहित है नंद बाबा के, तो इनको तो सारी बातें पता होगी क्योंकि इन्होंने पुरोहिताई करी है। तो दोनों बज्रनाथ जी और परीक्षित महाराज जी सांडिल्य मुनि के पास आए और ये सारी बातों को, इस प्रश्न को रखा कि कृष्ण जाने के पश्चात इन सारे ब्रजवासियों का क्या हुआ, कृपा करके हमें आप बताइए। वहां पे जो सांडिल्य ऋषि कहते हैं कि देखो अब तुम्हें मैं क्या करने जा रहा हूँ, क्योंकि तुमने कृष्ण के बारे में पूछ लिया, क्योंकि तुम्हें ब्रजवासियों के बारे में पूछ लिया, अब जो कथा शुरू होगी वो फिर किस प्रकार की कथा शुरू होगी, ब्रज की कथा ना, तो उन्होंने प्रश्न ही ब्रज की कथा अंतर्गत प्रश्न कर लिया। तो अब सांडिल्य ऋषियों को ब्रज की कथा सुनाने जा रहे हैं, इसीलिए पहले सावधान कर रहे हैं। श्रुणन्तं दत्त चित्तो मे रहस्यं ब्रज भूमिजं ब्रजनाथ व्यतिरिक्तत्वा व्यापनात् ब्रज उच्यते। सबसे पहले तो जानो ये ब्रज क्या है। तब कहते हैं कि श्रुणन्तं दत्त चित्तो मे, कि दोनों जो है ना, यहाँ पे द्विवचन हुआ, श्रुणन्तं दत्त चित्तो, दोनों चित्तों को इस प्रकार सुनो, डटे हुए बिल्कुल,
तो यहाँ पे हम लोग को भी शिक्षा दी जा रही है। अब जो कृष्ण कथा हम सुनने के लिए जा रहे हैं, तब हमारे मन को हमारे चित्तों को किस प्रकार समाश्रित करना पड़ेगा, कहते हैं दत्त चित्त होकर के सुनना पड़ेगा। कृष्ण कथा में गुरु जी बता रहे थे ना, मछली बिना पलक झपकते हुए ही, और बड़े बड़े मछलियां पूरा पानी की गहराई में जाकर के रहते हैं, वो कभी ऊपर उठ के भी नहीं आते, क्योंकि कथा की गहराई में जो डूबता हुआ श्रोता श्रवण करता है वास्तव फल उसी को ही प्राप्त होता है, इसीलिए उनको सावधान किया। तब कहते हैं ये ब्रज का स्वरूप कैसा है, गुणातीतम परम ब्रह्म व्यापकम ब्रज उच्चते, कहते हैं गुणातीतम परम ब्रह्म व्यापकम ब्रज उच्चते, जो ब्रजमंडल है ये गोलोक वृंदावन धाम जो है ये कहाँ पे है, कैसी है, कहते जिस प्रकार हम इस जगत में वास कर रहे हैं ना, पुरुष सुक्त मंत्र में बताया गया पादो अस्य त्रिमृतम दिवि, कहते हैं भगवान का धाम जो है वो त्रिपाद विभूति है, और ये जो भगवान के अपरा जगत है ये एक पद विभूति है, यानी कि भगवान की जो संपूर्ण सृष्टि है उसको अगर चार भाग किया जाता है, भगवान की परा जगत जो है, जो भगवान की निज जगत है, जहाँ पे गोवर्धन यमुना है, जहाँ पे अयोध्या सरयू है, जहाँ पे द्वारका है, वो जो जगत है वो तीन पाद में स्थित है, और एक पाद में ये संपूर्ण अनंत कोटि जड़ ब्रह्मांड है, इसी को एक पद विभूति कहते हैं। कहते हैं इस एक पद विभूति जो है ये तीनों गुणों के द्वारा संचालित होता है, तीन गुण सत्व रज और तम, इन तीनों गुणों से वशीभूत होता है जो इसको जड़ ब्रह्मांड कहा जाता है, परंतु ब्रज के साथ में गुणातीतम ये तीनों गुणों से ही ऊपर है, व्यापक ब्रज उच्चते बड़ा व्यापक है, और कैसा है, सदानंदम परम ज्योति मुक्तानम पदम अव्ययम, कहते वहां पे जो मुक्त लोग भी उस ब्रजधाम को देख करके इतने आकर्षित हो जाते हैं कि चतुष्ण जैसे ब्रह्मज्ञानी, सुखदेव गोस्वामी जैसे ब्रह्मज्ञानी भी आकर्षित होकर के ब्रज के अंतर मन को स्थिरता प्राप्त होती है। कहते हैं वो ब्रज इस प्रकार है, तस्मिन् नन्दात्मजं कृष्णं वनं मे देह रूपकं प्रेमाक्ति अनुर्भूयते, कहते हैं जो ब्रज मंडल है वो कुछ और नहीं है, वो स्वयं भगवान कृष्ण का शरीर ही है। तस्मिन् नन्दात्मज कृष्ण, वो जो ब्रज है ना वो नंद की आत्मज यानी कि कृष्ण के बनम में देह रूपकम पंच योजनम विस्तीर्णम प्रेमाक्ति अनुरूपयते, कहते ये पांचों योजन में विस्तीर्ण, क्योंकि हम फिर अगर अनंत असीम होगा तो ब्रजमंडल की कैसे दर्शन कर पाएंगे, है तो प्राकृत जगत में वो असीम ही, परंतु हमारे लिए वो बनम में पंच योजनम पांच योजन से विस्तृत ये 12 वन और 12 उपवन से समाविष्ट होकर के ब्रज क्षेत्र है, परंतु उसको अनुभव कैसा किया जाता है, कि कैसे उसको देखी जाती है, कहते प्रेमाक्ते अनुभूयते, उसको देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, ब्रह्मा जी श्लोक में कह रहे ना क्या कहते हैं, संत सदैव हृदयेषु प्रेमांजन छुरितो भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अपूर्व अचिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि, ये कहते हैं कि उस ब्रजधाम को हम जाते हैं ना, हम जाकर के ब्रज में क्या देखते हैं, ब्रज में क्या दिखता है, हम जैसे वृंदावन में जाते हैं हमें क्या क्या दिखता है बोलो, है ना, क्या दिखता है, जो संत जाते हैं ना, जो लोग जाते हैं ब्रजमंडल में वो देख करके जब दोबारा जाते हैं ना कहते हैं अरे पिछले बार हम यहाँ पे आए थे तुम्हें पता है यहाँ पे हमारा बंदर ने चश्मा छीन लिया था, अरे इस वाले दुकान से हमने फ्रूटी लिया था दिया था, अरे भैया हमें पहचानते हैं, तो हम अगर हमें ठाकुर जी की अनुभूति होती, राधा जी के प्रणय रस की अनुभूति होता तो क्या हमें वहां पे फ्रूटी किया जाती या फिर हमें बंदर किया जाता, इसीलिए कहते हैं कि हम वास्तव ब्रज को दर्शन करने लायक नहीं है, क्योंकि ब्रज को देखने के लिए प्रेमांजन छुरित अपनी आंखों में प्रेम रूपी अंजल लगाना पड़ेगा, नहीं तो वही वृंदावन है, अद्यपि सही लीला करे गौर राय कौन कौन भाग्यवान देखी बारे पाए, यद्यपि आज भी वही लीला श्री नदी धाम में वृंदावन धाम में अन्य धामों में वही सब नित्य लीलाएं होती है, परंतु उसको कौन देख पाता है, कौन कौन भाग्यवान, उसको जो भजनशील व्यक्ति होता है वही देख पाते हैं, नहीं तो कृष्ण की कितने प्यारी प्यारी मीठी मीठी लीला है, जरा देखो कितने जो आता है ना निम्न योगेंद्र संवाद में गुरुदेव बताते हैं कि उसको देख करके हसंत्यथ रोदती, कहते हैं कि कोई कोई तो हंसने लग जाते हैं, कोई कोई रुदन करने लग जाता है, एक समय ठाकुर जी माँ को कहते हैं कि मैया मैया ओ मैया कर दो मेरा ब्याह मंगाई दे,
छोरी सुंदर सी। मैया को कहते हैं कि माँ माँ मेरे को एक छोटी सी दुल्हन ले आए और मेरे मेरे को उसके साथ शादी कराते हैं। तो मैया कहते हैं अरे बेटा तू तो अभी बहुत छोटा है और अभी शादी कि मैया मैया आपको कुछ चाहिए थोड़ा पैर दबा दूं हैं दबे पांव मन आ करके ठाकुर जी के मैया को वो रिझा दूं थोड़े चाय पानी की तो पूछ पाछ कर लेगी ना तो मेरे लिए थोड़े ही ना मैं तो तेरे लिए मेरे को बहुत दुख होता है। मैं तो अच्छा अच्छा आए रे मेरा बड़ा जो दर्द लेने वाला। तो ठाकुर जी इस प्रकार उनको मतलब मैया को बोलते हैं बट बिल्कुल एक नर्मत लीला करते हैं। इन लीलाओं को कौन आस्वादन कर सकता है इसीलिए साडिल्य मुनि कहते हैं उसको दर्शन करने के लिए प्रेमाती अनुभूयते अपने हृदय में प्रेम रूपी अंजन लगाना पड़ेगा। आगे कहते हैं देखो अब तो हो गया था क्या ब्रज कैसा है भगवान का शरीर है ना अभी बताया ना तस्मिन् अंदात्मजं कृष्ण बलम में देह रूपकम ये उनका देह है। अब देह रहता तो आत्मा भी तो रहना चाहिए नहीं तो वो आत्मा कौन है। इसीलिए सांडिल्य मुनि आगे कहते हैं देखो जो लोग यहाँ पे कहते हैं ना कि भागवतम में राधा जी का नाम नहीं है वो तो सुखदेव गोस्वामी बोलेंगे बोल नहीं पाएंगे 7 दिन के अंदर राधा नाम लेते ही वो बेहोश हो जाएंगे इसीलिए वेदव्यास ने उसको लिखा नहीं। परंतु जो वेदव्यास जी ने भागवतम लिख रहे हैं वही वेदव्यास जी थोड़े से पहले 17वें पुराण स्कंद पुराण में राधा जी के बार बार नाम ले रहे हैं। आत्मा कौन है उस शरीर रूपी कृष्ण का आत्मा कौन है यानी जैसे आत्मा के बगैर शरीर का कोई वैल्यू नहीं है कहते हैं ऐसा शरीर जो शरीर रूपी कृष्ण रूपी शरीर की आत्मा कौन है। आत्मा तो राधिका तस्य तैव रमणा दसो आत्माताया प्रायतज्ञ आत्मा रामतया प्रज्ञ प्रोचते गूढदेह देवी समझो आत्मा तू तू मतलब क्या है किंतु किंतु मतलब और कहीं लक्ष्मी भी बोल सकते हैं कुछ और भी बोल सकते थे परंतु स्कंद पुराण में विशेष रूप में बताया गया कि आत्मा तो राधिका तस्य तस्य मतलब उन्हीं के राधा जी ही उनकी आत्मा है। तैव रमणा दसो आत्मा रामतया प्रज्ञ भगवान कौन है आत्मा राम। अब यहाँ पे आत्मा तू राधिका तो बोल दिया फिर यहाँ पे जो लोग आत्मा राम कहते ना कृष्ण को कि कृष्ण आत्मा राम है कोई नारी को उन्होंने कभी भी उनके साथ उन्होंने विलास नहीं किया तब यहाँ पे उसी ऊपर वाला पाद को यहाँ पे इंटरलिंक करते हुए क्या कह रहे हैं कि आत्मा राम वो भगवान कौन है जो आत्मा में रमण करने वाले यानी कि वो किसी जगत के व्यक्ति से रमण नहीं करते हैं कि किसी प्रकार की वस्तु के लिए वो रमण नहीं करते वो केवल और केवल अपने आत्मा में रमण करते हैं। और ऊपर आत्मा कौन बताया राधा जी तो राधा जी में रमण किया इसलिए उनका आत्मा राम उनका नाम है राधा रमण उनका नाम है आत्मा राम तया प्राज्ञते गुड़ देह देवी ये बहुत गुड़ बात है ना तो इसको बोला जाता है। इस प्रकार जब धीरे धीरे उन्होंने उनको कथा सुनाते गए तो उन्होंने बताया कि देखो अब तुम इतने दूर से आए हो कथा सुने हो भगवान की लीला को तुमने सुना है परंतु ये सारी लीला स्थली अभी विलुप्त प्राय है। परीक्षित महाराज जी कहते हैं अब मैं क्या करूं फिर। तब परीक्षित बज्रनाथ जी को सांडिल्य ऋषि उनको आशीर्वाद करते हैं और एक एक जगह उनके साथ जाकर के दिखाते कृष्ण ने यहाँ पे ये लीला किया कृष्ण ने मक्खन चोरी लीला यहीं पे किया था। आज जो हम पूरा ब्रज दर्शन कर रहे हैं 5000 साल पहले सांडिल्य मुनि के अनुगत में परीक्षित और बज्रनाथ उपस्थान सब उन्होंने ही बसाया था। उसके बाद महाप्रभु के बाद वो अत्यंत विलुप्त प्राय जब हो गया था महाप्रभु भूवर गोस्वामी आदि जितने भी आकर के वहां पे दोबारा उपस्थित क्योंकि कालक्रम से कालांतर से सब नष्ट प्राय हो जाता है। तब उन्होंने वहां पे हरिदेव गोविंद देव जो सब पूरा लिखा हुआ है जो हरिदेव गोविंद देव इस सारे बज्रनाथ जी के द्वारा ही प्रतिष्ठित है तो इन्हीं को ही सब उद्धार करवाया। कुंड कुरपादि कुरतेन शिलादि स्थापनेन च कुंड कुरप जितने भी सारे ब्रज में आज हम 108 कुंड और कुप इत्यादि सब दर्शन करते हैं ये सब सांडिल्य मुनि के अनुगत में जाकर के बज्रनाथ परीक्षित ने बसाया। अब लीला स्थली तो हो गया पर अब जो ब्रजवासी हैं वो कहां से लाएंगे इसीलिए वहां से हस्तिनापुर से कुछ लोगों को ला करके ब्रज में बसाया गया। धीरे धीरे समय गया एक दिन क्या हुआ जो कृष्ण के जो 16,100 पटरानियां थे ना वो देखा कि कृष्ण तो अभी रहे नहीं विरह से बड़े कातुर होते हुए वो जैसे ब्रज क्षेत्र में पहुंचे देखा कालिंद जो यमुना जी हैं
यमुना बड़े उत्फुल्ल तरीके से पूरा करगद नाद से क्या वो यमुनोत्री से बहते हुए अपना मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। ब्रज में बड़ा सुंदर तरंग आए तो उनकी उछाल जो तरंग है उसको देख करके तो हक्के बक्के रह गए, भैया हम भी उनके पटरानी है, ये कालिंदी भी यमुना भी उनके पटरानी है, कृष्ण के 16108 पटरानियां है, 16100 पटरानियां देखते हैं भैया, जब कृष्ण चले गए हम उनकी इतने करीब नहीं होते हुए भी हमें इतना विरह होता है, पर ये जो यमुना जी हैं ये इनकी इतने मतलब हर लीला में ये उनके भाग में है, जिनकी कृष्ण के राग से कृष्ण के आंसू से जो यमुना प्रकट होती है, क्या उनको कृष्ण चले गए उनको कोई विरह नहीं है? तो इस प्रश्न को लेकर के वो यमुना जी के पास आते हैं, तब उनको पूछते हैं कि यमुना महारानी तुम किस प्रकार इतने सुशोभित होकर के विराजमान हो? तो यमुना जी उनको कहते हैं कि देखो आत्मा रामस्य कृष्णस्य ध्रुवमात्मस्ति राधिका तस्य तस्य प्रभावेण विरहम अस्मान् न संस्पृश्यते। क्या उत्तर दिया? आत्मा रामस्य कृष्णस्य, जो आत्मा राम कौन है दोबारा यहाँ पे आत्मा राम बताते हैं, यानी कि राधा रमण कृष्ण के कौन है आत्मा रामस्य कृष्णस्य ध्रुवमात्मस्ति राधिका, ये उन्हीं के अंदर ही विराजमान कौन करते रहती हैं राधा जी, और मैं कौन हूँ राधा जी के नित्य दासी हूँ। तो तस्य दास्य प्रभावेण उनके दासत्व के प्रभाव से विरहम अस्मान् न संस्पृश्यते, मेरे को विरह नहीं होता, मेरे को क्यों होगा, क्योंकि राधा जी के साथ कृष्ण हमेशा है, नित्य संभोग एवाति सदा से कृष्ण नायिका, वो तो सर्वदा कृष्ण नायिका है। अब उन्हीं के दास्य होने के दास्य प्रभाव से ही जब राधा जी कृष्ण के साथ हमेशा रहते हैं और हम दासी बनकर उन्हीं के साथ रहते हैं तो दूर थोड़ी है, हम तो वहीं पास में ही हैं। तो इस प्रकार जब उन्होंने सुना कृष्ण को कैसे प्रकट किया जा सकता है, तब यमुना जी कहते हैं कि देखो कृष्ण जब इस धाम को छोड़ करके कृष्ण स्वधाम उपगते, जब वो स्वधाम चले जाते हैं तो इस गूढ़ ज्ञान को कृष्ण कहाँ मिलेंगे, इस गूढ़ ज्ञान को उन्होंने एक भक्त को देख करके गए, और वो भक्त एक रूप में तो बद्रिका आश्रम में विराजमान है और दूसरे रूप में वो इसी ब्रज क्षेत्र में ही है। कहाँ पे है? गिरिराज जी की तलहटी में श्री उद्धव जी जो कुसुम सरोवर के ठीक उस तरफ है वो उद्धव कुंड है, वहां पे उद्धव जी कृष्ण को प्रार्थना करते कहते हैं आसा महो चरण रेणु जुसा महम श्याम किमपि गुणमलता औषधीनाम, ऐसे जो प्रार्थनिया हो करके वहां पे गुणमलता औषधि के रूप में भी वही विराजमान है, जाओ उनको पूछो वे तुम्हें इस कृष्ण के जो प्रेम रस की भक्ति रस की तुम्हें प्राप्ति वहीं पे कराएंगे, कृष्ण कथा वहीं सुनाएंगे, क्योंकि कृष्ण कथा के सबसे बड़े रसिया श्री उद्धव जी हैं। अब यहाँ पे जो ब्रज जो जितने भी 16100 रानियां थे परीक्षित थे ब्रजनाथ जी थे सारे हस्तिनापुर वासी जो ब्रज वास कर रहे थे वे सब वहां से अपना अपना कीर्तन करते करते कहां पे आए गिरिराज जी पे, और गिरिराज जी पे वहां पे आकर के क्या किया उसी स्थान पे क्या किया बीना बेणु मृदंग सरस काव्य संगीत ही, बड़े बीना बेणु मृदंग वाद्य करते हुए उन्होंने क्या किया सरस संगीत से सरस रूप में संगीत से ही उन्होंने करुण रस से क्या किया कीर्तन किया कीर्तन आरभ्य जो संगत कहते कीर्तन आरंभ होने के तुरंत बाद ही क्या हो गए वहां से जो लता पता गुणमलता थे ना वहां से क्या हुए गुंजा माला धरण गायन बल्लभी बल्लभम उद्धवेण स्वरूप रूपिणा से सबुद्धव नमः कहते गुंजा माला को पकड़ते हुए बल्लभी बल्लभ मुहुर ऐसे जो राधा जी के जो प्रिय है कृष्ण उनके दास कौन उद्धव जी प्रकट होते हैं, और उद्धव जी प्रकट होकर के प्रकट होते हैं तो बड़ा सुंदर कीर्तन होता है, और फिर जो उद्धव जी सबको बिठा करके वहां पे भागवत कथा की प्रारंभ करते हैं, यहीं से शुरू होता है अब भागवत कथा की महिमा। अब यहाँ पे उद्धव जी क्या करते हैं सब लोगों को बिठा करके भी करने जा रहे हैं, इसमें शिक्षा है कि अगर मान लो हम भगवान को ढूंढने चले ना किसी जीवन में किसी विवेक पूर्वक अगर हमारे कभी विवेक उदय हुआ कि हम भगवान को मिलने जा रहे हैं तो कभी अकेला मत जाओ, या कभी ऐसा मतलब भगवान की मूर्ति के सामने मत चले जाया करो, एक तो भक्तों की अनुगत्य में हरि नाम के माध्यम से भगवान को ढूंढने के लिए चलो, इसीलिए सारे वेदों शास्त्र की एतद निर्वेद्य मानना, ये सारे शास्त्रों की सार है हरि नाम अनुकीर्तनम,
जो संत है उनके अनुगत में ही कीर्तन करते करते हम भगवान तक पहुंच सकते हैं। यद्यपि कलयुग में महाप्रभु ने बड़ा सरल ही उपाय दिया है, परंतु कठिन कब हो जाती है? जब हम स्वतंत्र भक्ति की भाड़ में आ जाते हैं। इसीलिए स्वतंत्र भक्ति से भगवान बहुत दूर होते हैं। गुरु वैष्णव के अनुगत में जो भगवान की कीर्तन और भगवान की कथा श्रवण होता है, कृष्ण हमें ही देखते हैं कि कब ये गुरु के पास आता है, तभी मैं इसको अंगीकार कर लूं। तब यहाँ पे शिक्षा ये है कि अगर हम कीर्तन के माध्यम से भगवान को ढूंढने चले तो भक्त भी प्रकट होते हैं, और भक्त जब कथा सुनाते हैं उस भक्तिमय कथा से भगवान की प्रकट होते हैं। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की। अब उद्धव जी वहां पे उनको कथा सुनाते हुए महिमा व्यक्त कर रहे हैं। श्रीमद भागवतम शास्त्रम यत्र भागवते तदा कीर्तिते श्रूयते चापि श्री कृष्णम तत्र निश्चितम। भागवत की महिमा बता रहे हैं। अब महिमा क्या बता रहे हैं कि देखो, जहां पे ये श्रीमद् भागवतम कथा, इसको बड़े जो कहते हैं ना श्रद्धा के साथ वो सुना रहे हैं, कि इसको इतने श्रद्धा से सुनो कि यही बैठे बैठे ही तुम्हें कथा में क्या हो जाए, तल्लीनता प्राप्त हो जाए। उद्धव जी कह रहे हैं कि श्रीमद् भागवतम शास्त्रम, जहां पे केवल शास्त्र ही होता है, यत्र भागवती तदा कीर्तिते श्रूयते चापि, जहाँ पे कीर्तन होता है और श्रवण होता है, श्री कृष्णम तत्र निश्चितम, निश्चितार्थ को बोधात्मक शब्द यहाँ पे प्रयोग करते हैं, कहीं अन्यत्र नहीं है, वहीं पे ही है। इसको भक्त तो प्रमाणित कर ही दिया, भगवान भी प्रमाण कर रहे हैं। नारद जी को बोलते हैं क्या, नाहम बसामि वैकुंठे जोगिनाम हृदय न च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। जहाँ पे मेरी कथा कीर्तन होते हैं वहां पे निश्चित रूप से मैं होता हूँ। बोले भगवान भी स्टंप मार दिया, भक्तों भी स्टंप मार दिया, तो हो गया ना। भगवान कहाँ में रहते हैं? इसी भागवत ग्रंथ में ही रहते हैं। तो आगे बताते हुए कहते हैं, जो व्यक्ति इस भागवत कथा को सुनता है, पितृ मातृश्च भार्यश्च कुलपंक्ति सुतारिता, उसके तीनों कुल अपने आप उद्धार हो जाते हैं, पितृकुल, मातृकुल, और जो वो शादी किया, जो भार्या का कुल है उसको भी अनायास, यद्यपि उसके पत्नी की कुल जो है वो कभी भी भागवत का आश्रय नहीं लिया है, परंतु क्योंकि उनके जमाई है, वो भक्त है, वो श्रीमद् भागवतम कथा को अनुमोदित किया है, तब भी उनका कल्याण इतना है कि तीनों कुल को उद्धार करने की वो शक्ति है। श्रीमद् भागवतम कहते हैं, आगे चल करके कहते हैं, क्रिम बहुर भी पुराणश्च भ्रमा वही एकम भागवतम शास्त्र मुक्तिदायन गर्जति। कहते हैं एक, देखो इस संसार में अभी तो ट्रेंड चल गया है, साई भागवत, देवी भागवत, पता नहीं कितने कितने भागवत चला है, परंतु ये जो संपूर्ण रूप में जो भागवत जिसका है, भागवत क्या है, भक्तानाम चरित्र और भागवतम, भगवतम प्रोक्तम, यानी कि भगवान की वाणी और भक्तों की चरित्र जिसमें है, और भक्त कौन है, भगवान, और अभी ये जो भक्ति उसमें जो भगवान और जो व्यक्ति को जोड़ने वाला जो भक्ति है, जो भगवान को भक्ति जो जोड़ती है, जिसको जोड़ती है उसको भक्त कहते हैं। तो यहाँ पे तो शब्द भगवान से ही उत्पन्न हुआ है ना, तो देवी तो भगवान है नहीं, साई तो भगवान है नहीं, दूसरी देवता भी तो भगवान है नहीं, तो वो भागवत कैसे हो गया? अभी मैं कुछ दिन वृंदावन में गया था, वृंदावन में पता है वहां क्या लिखा हुआ मिला मेरे को, मिला कृष्ण भागवत प्रशिक्षण केंद्र, यानी कि यहाँ पे कृष्ण के भागवत के प्रशिक्षण, यानी कि यहाँ पे ट्रेंड किया जाता है कैसे भागवत करना है, समझो यहाँ पे विशेषण लगाना जरूरी था, भागवत कृष्ण का ही है, यहाँ पे कृष्ण भागवत करना जरूरी था। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, भ्रमा भई पुराना इस चाहिए, भ्रमा भई भ्रमित हो जाते हैं, इसीलिए कहते हैं नहीं नहीं किसी कहीं पे भी मत जाओ, पहले ही बता दिया इस महिमा में कि एकम भागवतम शास्त्र मुक्तिदाने न गर्जति, एक ही भागवत पुराण है 18,000 श्लोकों द्वादश स्कंद समन्वित, ऐसे ग्रंथ को पढ़ने से ही मुक्तिदाने न गर्जति। आगे के बहुत श्लोक श्रीमद् भागवतम जो है, जहाँ पे श्लोकार्थम श्लोकपादम वा नित्यं भवति यत् गृहं तत् गृहं तीर्थरूपं वसता हि पापनाशं, जिनके घर में एक श्लोक, आदि श्लोक, चौथा श्लोक विराजमान होते, वहां पे सब पुण्य ही पुण्य होता है, जहाँ पे न गंगा न पुष्करम काशी प्रयागम है कथा यास भागवत कथा स्यापि कलार नहंते सोडिसम, इसकी एक कला के साथ भी कोई बराबर नहीं कर सकता। अरे जो संपूर्ण कृष्ण भक्ति को प्रदान करने वाली है उसके सामने तुच्छ किए इधर वस्तु का क्या
वह है। इस प्रकार निंदा ही निंदा किया गया है। श्रीमद् भागवतों को जो पढ़ता है, जो पढ़ाता है, वो माँ भी सार्थक है, बच्चे भी सार्थक है, वो राजा सार्थक है, प्रजा भी सार्थक है। इस प्रकार उन्होंने बहुत सारे यहाँ पे जो है महिमा को वर्णित किया। और आगे चल करके जो परीक्षित महाराज जब कथा प्रारंभ होने जा रहा था, इतने में उन्होंने क्या किया, जो परीक्षित हस्तिनापुर से कुछ लोग आए, बोले कि महाराज अभी दिल्ली में हस्तिनापुर क्षेत्र में बहुत मतलब दंगा हंगामा होने वाला है, आप चलिए। तब परीक्षित महाराज जी, तो ये सुखशास्त्र कथा या सर, ये जो सुखशास्त्र कथा सुखदेव गोस्वामी की कथा ही है, भागवतों को क्या बुलाया था, सुखशास्त्र बुलाया था ना, तो सुखदेव गोस्वामी किसको सुनाया था, परीक्षित महाराज जी को। तब यहाँ पे परीक्षित महाराज जी के अगर मैं चला जाऊंगा तो फिर कैसे होगा। तब उद्धव जी उनको आशीर्वाद करते हैं कि देखो सुना तो मैं अभी रहा हूँ इन सबको, 16,100 को मैं सुना तो रहा हूँ, परंतु ये कथा प्रसिद्धि तुम्हारे ही नाम पे ही होगा, सुख परिचित संवाद के माध्यम से। इसलिए मेरा आशीर्वाद है, यद्यपि ब्रजमंडल में पहली कथा हुई है, परंतु फिर भी आगे चल करके कलयुग के प्रारंभ में ही तुम्हें सुखदेव गोस्वामी सुनाएंगे, जो हम गुरु जी से भी सुनेंगे। इस प्रकार उन्होंने परीक्षित महाराज जी को भेजते हैं और कथा एक महीना तक चलती है। और कथा करते करते वहां से भगवान प्रकट होते हैं और सारे ब्रजवासी जितने भी थे वो सारे विरहों को शांत करते हुए, निर्मल करते हुए उनको भगवत धाम को ले जाते हैं। कथा कथा की श्रोता की लक्षण अभी गुरु जी ने बताई दिया, तो अधिक व्याख्या की जरूरत नहीं है। वहां छकल गुरु जी के पास भागवत कथा मृता मुखी जोर से बोला, बोले श्रीमद् भागवत कथा अमृतम की जय। जय श्री राधे निताई गौर ब्रह्मानंदे हरि हरि। हाँ, श्री उद्धव जी ये महिषियों को जब श्री गिरिराज तलहटी जहाँ पर उद्धव कुंड कुसुम सरोवर में जब भागवत कथा श्रवण कराए, ये भागवत साक्षात कृष्ण प्रकट हुए। यहाँ शिक्षा देते हैं ये भागवत कथा से ही कृष्ण आपको मिलेंगे और आपको कहीं जाने का जरूरत नहीं। कृष्ण भागवत में ही ये कृष्ण की विद्यमानता है, इसलिए तब उनके सारे विरह दूर हुआ, इसलिए भागवत कृष्ण स्वरूप। आप लोग एक मिनट ताली बजाते हो, थोड़ा कीर्तन कर लो, बोला हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे Krishna Hare Hare Bolo Hare Krishna Hare Krishna
गाई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। जन्मा दस्य जतन्यादि तरतस्य स्वार्थे स्वभिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदायो आदि कवये मुह्यन्ति जत सूरयो तेजो बरीमृदं यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्ग मृषा ध्याम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। जब श्री सुखदेव गोस्वामी भागवत को प्रारंभ करते हैं तब तो सर्वप्रथम अपना इष्टों को ध्यान करते हैं, इसलिए भागवत का जो ये पहला श्लोक है ये तीन श्लोकों को दराइए मंगलाचरण करते हैं। बोले मंगलाचरण का तात्पर्य होता है कोई भी काम करो अगर ये मंगलाचरण को प्रारंभ करते हुए करो तो वो काम जरूर तुम्हारी सार्थकता हो जाएगा, निर्विघ्न में वो काम पूरी हो जाता है, इसको मंगलाचरण कहते हैं। ये जो पहला श्लोक ये नमस्कार, दूसरा श्लोक प्रतिज्ञा और जो तीसरा श्लोक आशीर्वाद, ये तीनों श्लोक में तीन बात कहते हैं। ये पहला श्लोक इतना महत्वपूर्ण श्लोक है कहते एक श्लोक में तो ये पूरी भागवत है, इसमें पूरी भागवत व्याख्या की कि एक श्लोक में कैसे, और प्रभुपाद तो एक श्लोक को उन्होंने एक महीना तक उन्होंने कथा की थी पूरा एक श्लोक ऊपर में, मतलब समझो ये एक श्लोक में इतना सारे सिद्धांत ये श्लोक के अंदर में विद्यमान है। इसलिए जो पहला श्लोक है ये नमस्कार व ध्यान, बोले ध्यान मतलब हम किसको ध्यान करते हैं, बोले सत्यम परम धीमहि, कहती ये परम सत्य को हम ध्यान करते हैं। अभी कहती ये परम सत्य कौन है, कहती इसी श्लोक के ऊपर बड़ी तर्क वितर्क है क्योंकि ये श्लोक में किसका नाम नहीं दी गई, केवल इसमें गुण गुण बताया, इसलिए जो देवी को पूजा करते हैं ना ये श्लोक को देवी मैया में लगा दिया, जो भोले बाबा को उपासना करते बोले सत्यम शिवम सुंदरम शंकर जी में लगा दिया, अभी जो हनुमान को पूजा करते हनुमान को लगा दिया, अभी जो जिसको पूजा करता है ना वो उसी में ही ये श्लोक को उसमें लगा दिए। लेकिन श्री वल्लभाचार्य जो वैष्णव संप्रदाय के आचार्य वो कहते भैया ये जो श्लोक है ये और किसी के लिए नहीं, ये तो केवल गोविंद देव के लिए है, ये केवल ये गोविंद देव के लिए ये श्लोक बताया और किसी के लिए श्लोक बताया नहीं। बोले आप कैसे गोविंद देव में कैसे लगा दिया, इतने सारे देवा देवी इसमें तो किसी का नाम है ही नहीं, अब इनमें कैसे लगाते हो। तब उन्होंने प्रमाण दिया जब कृष्ण मातृ गर्भ में आए देवकी गर्भ में, उसी समय में शंकर भी थे ब्रह्मा भी थे इंद्र चंद्र वायु वरुण ये जितने ये 33 करोड़ देवता थे वो सबके सब उसी समय में थे और सबके सब इनकी गर्भ स्तुति कर रहे हैं। क्या कहते हैं, बोले सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्य सत्य सजोनी निहितम च सत्य सत्य स सत्य अमृत सत्य नेत्रे सत्यात्मकत्वाम शरणम प्रपति। सारे देवता करें ये परम सत्य कौन है, जिसका व्रत सत्य जिसका धाम सत्य जिसका भक्त सत्य जो त्रिकाल सत्य वो कौन है, बोले श्री गोविंद देव, बोले श्री भगवान गोविंद देव की। इसलिए ब्रह्मा जी की बोले क्या बोलते हैं, गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि, ये आदि पुरुष से गोविंद है हम इनकी चरण को वंदना करते हैं। इसलिए ये कौन है, बोले जन्मा दस्य जत कल जिनसे ये जगत का सृष्टि स्थिति प्रलय अन्य और व्यतिरेक रूप में ये दुनिया का ब्रह्मा का द्वारा जो सृष्टि करते हैं और विष्णु को आदेश देकर के जो पालन करते हैं जो शंकर जिनके आदेश पर जगत की संहार करते हैं ये श्री भगवान श्री गोविंद देव है, जिन्होंने आदि कवि ब्रह्मा जी के हृदय में बोले ज्ञानम में परम गुह्यम जत विज्ञान समन्वितम सह रहस्यंच तदगंच गृहणम गदितम मैया, जिन्होंने सर्वप्रथम ब्रह्मा जी की हृदय में सारे ज्ञान को उन्होंने स्फूर्ति प्राप्त कराया है। इसलिए जिनकी माया ऐसे है जिनकी माया में मुह्यन्ति चत सुरय, गोविंद देव की ऐसे माया बड़े बड़े देवता लोग भी जिनकी माया से मोहित हो जाते हैं। हम आगे जाकर सुनेंगे कैसे स्वयं इंद्र कैसे मोहित होकर के ब्रज में कैसे बारिश बरसाया और ठाकुर जी श्री गिरिराज को कैसे अपना अंगुल को ऊपर में कैसे धारण किया है, कैसे स्वयं
ब्रह्मा मुग्ध होकर के जिनके बछड़े सखाओं को ब्रह्मा भी चोरी करते हैं, जिनकी माया में बड़े बड़े देवता भी मोहित हो जाते हैं, ऐसे श्री भगवान श्री गोविंद देव के चरण में हम सब के सब प्रणाम करते हैं। ये इनकी वंदना है या इनकी ध्यान है। बोले श्री गोविंद देव की जय। लेकिन हमारी जो रस्सी की टीकाकार बोले बोले ये श्लोक में क्या केवल गोविंद देव को वंदना किया ना और कोई है? तब श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं ये श्लोक को बोल रहे श्री सुखदेव गोस्वामी। कहते हैं सुखदेव गोस्वामी का गुरु कौन है? बोले इनका गुरु श्रीमती राधा रानी। इसलिए भागवत में देखना श्री सुख उबाच, श्री सुख उबाच, श्री मतलब श्री आ श्रीमती राधा रानी, बीच में एक पद है नहीं वो प्रिया, श्री प्रिया सुख राधा रानी की ये प्रिय सुख है। इनका गुरु राधा रानी, शास्त्र क्या कहता है? प्रथमंतु गुरुम पूज्यम। कृष्ण स्वयं कहते हैं गुरु गोविंद दो खड़े काक लाग पाऊं, बलिहारी श्री गुरु जी जो गोविंद दिए बताऊं। इसलिए पहले गुरु जी की चरण की वंदना करनी चाहिए, उसको बाद में ठाकुर को प्रणाम करो। इसलिए इनका गुरु तो श्री राधा रानी, तो उधर राधा रानी की वंदना करेंगे ना। इसलिए कहते हैं जो पहला श्लोक है श्री किशोर जी को प्रणाम किया, श्री राधा रानी को प्रणाम करते हैं। इसलिए सत्यम परम धीमही, कि जो परम शब्द आया है, कहते पराम च परम चैची पराम देवी कृष्णमयी प्रवक्ता राधिका परादेवता। कृष्ण की परादेवी कौन, शक्ति कौन? बोले श्री राधा रानी। हम सब के सब श्री राधा रानी की चरण को वंदना करते हैं। बोले श्रीमती राधा रानी की जय। कहते राधा रानी कौन है? बोले जन्मा दस्य जत, जिनसे ये आदि रस श्रृंगार रस प्रकट हुआ है। इसलिए पूरी उन्होंने इस श्लोक को राधा रानी का परक विश्वनाथ पूरा राधा रानी में ये श्लोक को उन्होंने लगाया। लेकिन श्री प्रभुपाद क्या कहते हैं? ये पहला श्लोक कहते श्री चैतन्य महाप्रभु को उन्होंने वंदना किया है ये श्लोक में है। ये श्लोक श्री चैतन्य महाप्रभु के लिए उन्होंने लगाया। इसलिए सत्यम परम धीमही, वो जो परम सत्य कौन? बोले सच्चिदानंद श्री गौर हरि, जो राधा रानी की अंग कांति भाव को लेकर के कृष्ण कलियुग में श्री महाप्रभु का रूप में आए। तत्वतः तो राधा कृष्ण ये दोनों अलग है नहीं, वो एक है, वो एक ही होते हुए अभी दो है और दो होते हुए अभी एक। जब वो एक स्वरूप कौन है? श्री चैतन्य महाप्रभु, श्री गौरांग महाप्रभु। इसलिए उन्होंने कहते जिन्होंने आदि कवि कौन है? रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, राय रामानंद, जिनके हृदय में उन्होंने सारे तत्व ज्ञान को स्पूर्ण कराया और इनकी कृपा से रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, राय रामानंद सारे ग्रंथों के उन्होंने प्रकाशित करते हैं। ऐसे श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण में हम सबके सह प्रणाम करते हैं। बोले श्री सच्चिदानंद गौर हरि की जय। कह जो दूसरा जो श्लोक है बोले ये प्रतिज्ञा, देखो भागवत कथा की कितने महिमा, जैसे यहाँ कथा हो रही है, अभी घर में बैठे हो, अभी कथा में नहीं आए, घर में बैठे हो, पता चला मंदिर में भागवत कथा हो रही। अगर किसकी मन में केवल इतनी सी इच्छा हो गई आज मैं कथा सुनने जाऊंगी नहीं तो जाऊंगा, नहीं तो ये भी कोई बोल दे बोले बहन तू चले जा, घर का काम काज को मैं कर लेती हूँ, तू कथा सुन करके आ जा, अगर इतनी सी कोई बात बोल देना। कहते सद्य हृदय अवरुद्ध ते कृति भी शुश्रूषु भी तत्क्षणात्, इतना बोलना मात्र से ही ठाकुर जी गोविंद देव उसके हृदय में आकर के ऐसे बंध जाते हैं जैसे मानो एक व्यक्ति खुद अपना किसी घर में अंदर में घुस करके वो अंदर से कुंडी बंद कर देते हैं। उसी तरह के बोला सुनने की इच्छा मात्र से ही ये गोविंद देव आपके हृदय में ऐसे बंध जाते हैं, उनको निकलने का रास्ता नहीं मिलता। केवल सुनने की इच्छा मात्र से ही अगर सचमुच से अगर कोई आए और कथा सुनने में बैठ जाए, कहते भैया उनकी महिमा तो हम बता ही नहीं सकते, उसकी इतने महिमा हैं, इतने महिमा केवल कथा सुनने की इच्छा मात्र रखे। कहते अगर कोई बोलेगा बोले शुश्रूषु भी, बोले कथा कौन सुन सकते हैं? बोले कथा सभी नहीं सुन सकते, कथा सभी नहीं सुन सकते हैं, जिनकी शुश्रूषु भी, जिनकी करोड़ों करोड़ों जन्म की कोई पुण्य उदय होगा ना, वही आ करके ये कथा को श्रवण कर सकते हैं। सभी कथा नहीं सुन सकते हैं, कोई सभी नहीं सुन सकते, कृति भी बड़े पुण्यात्मा कथा सुन सकते हैं, सभी कथा में नहीं बैठ सकते। इसलिए शंकर जी पार्वती को कहते हैं, देखो क्या कहते हैं,
बोले अति हरि कृपा जा पर हो अति हरि कृपा जा पर हो अति हरि जी पार्वती को कहते बोले पार्वती सभी कथा में नहीं आई बोले अति हरि कृपा जिसको ऊपर में गोविंद देव का अति छोटी मोटी नहीं बहुत कृपा हो पाव देही असंगत सोई तभी ये सत्संग में कोई आ सकते। उदाहरण दिया जैसे आपका घर में कोई शादी हो रही नहीं तो कोई शादी का साल ग्रह नहीं तो बच्चे का बर्थडे बना रहे हो आप बताओ उसमें कौन आएगा आप तो कौन आएगा उसमें आप जिसको बुलाओगे जैसे घर का 9 इंच दीवार को पास में दूसरा घर है अगर आप उसको नहीं बुलाओगे तुम्हारे घर में आएगा शादी में लेकिन अगर कोई विदेश में अमेरिका में रहता है लंदन में रहता है तुम्हारे परिवार के अगर उसको निमंत्रण दोगे तो 7 समुद्र पार होकर के वहाँ पर आएगा क्योंकि आपने उसको निमंत्रण दिया है लेकिन पड़ोसी वाला को आपने निमंत्रण नहीं दिया नौ इंच दीवार को पास में रहता है वो नहीं आएगा तुम्हारे घर में क्यों आप उसको बुलाया नहीं। यहाँ पर कहते हैं कथा में कौन आएगा जब कृष्ण बंसुरी बजाए ना ब्रज में सारे ब्रजवासी थे लेकिन रास में जब बंसुरी बजाए उसमें कौन आए केवल वहाँ गोपियाँ आई सब नहीं आए क्यों कृष्ण गोपियों को ही बुला रहे थे। बोले उनका बंसुरी की आवाज़ जो दो तरह का है कहते एक तो सर्वभूत मनोहर और एक गोपीभूत मनोहर है। जब कृष्ण चाहते थे ये बंसी ध्वनि सबका कान में जाए तब वो बंसी ध्वनि सबकी कान में जाती थी लेकिन जब चाहते थे ये बंसुरी की आवाज़ केवल ये गोपियों को कान में जाए ना तब वो बंसुरी की आवाज़ केवल गोपियाँ सुनती थी और कोई नहीं सुन पाती थी। इसलिए ये गौड़ीय मठ में कन्हैया तो बंसुरी बजाए ये भागवत रूपी बंसुरी बजाए लेकिन जिन जिन गोपियों को कान में पढ़ा ना क्यों कृष्ण जिनको निमंत्रण दिया कृष्ण जिसको बुलाया है जिसको कृष्ण बुलाएंगे तब वही तो आएगा ना और जिसको बुलाएंगे नहीं आएगा नहीं। आप लोग कितना दूर से आए आप कितना किलोमीटर से आए 14 किलोमीटर तुम 25 किलोमीटर से आए देखो इतना दूर से कथा सुन लेकिन 9 इंच दीवार के पास में जो रहते वो आए सामने वाला नहीं आए वो झगड़ने के लिए आ जाता है कीर्तन सुन करके इसलिए यहाँ पर शंकर जी स्वयं कह रहे हैं पार्वती अति हरि कृपा जा पर होई आबत यही सर अति कठिनाई राम कृष्ण कृपा बिनो आई न जाई। इसलिए ठाकुर की कृपा जिसको ऊपर में होएगी वही व्यक्ति ही ये कथा में आ सकता है सभी नहीं आ सकते हैं। इसलिए भागवत की जो महिमा बताए यहाँ पर जो प्रतिज्ञा करता है केवल कथा सुनने की इच्छा मात्र करो आ करके जो बैठ गए बस और कुछ करने का जरूरत नहीं केवल कथा सुनते सुनते आप भगवान के पास में पहुंच जाओगे है। ठाकुर की कथा सुनते सुनते ही ठाकुर के पास में कहती ये प्रतिज्ञा वा ये अभिधेय पहला जो श्लोक संबंध बोले संबंध किसको साथ में करनी चाहिए बोले केवल कृष्ण कल केवल कृष्ण नहीं राधा कृष्ण केवल राधा कृष्ण नहीं श्रीमन महाप्रभु की आनुगत्य में श्री जुगल की उपासना करनी चाहिए। दूसरा जो श्लोक है ये अभिधेय अभिधेय मतलब होता है भगवत प्राप्ति का उपाय क्या है उपाय एक ही है केवल उनकी कथा सुनो केवल कथा से ही हमको भगवान मिल जाएंगे। और जो तीसरा जो श्लोक है बोले ये आशीर्वाद देता है भाई ये हमारी प्रयोजन किया आशीर्वाद किया है बोले निगम कल्प तरूर गलितम फलम सुख मुखात अमृत
द्रवसंजुतम पीबत भागवतम रसमालयम मुहुरह रसिका भुवि भावुका। इसलिए हमें आशीर्वाद देता है, बोले निगम कल्प तरूर गलितम फलम। बोले ये जो श्रीमद् भागवत है, कहते इसको बताया ये कल्प वृक्ष है, ये कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष किसको कहते हैं? बोले जिसको नीचे बैठो अब अपना जो मांगो भागवत आपको सो दे देगा। इसलिए हम कथा में नहीं बैठे हो, कल्प वृक्षों को नीचे बैठे हो, जो मांगोगे भागवत आपको सो देगा। क्योंकि वृक्ष है ना, ये कल्प वृक्ष है, लेकिन ये कल्प वृक्ष का जो फल क्या है? बोले ये श्रीमद् भागवत इसका फल है, ये भागवत इसकी फल, ये भागवत है। लेकिन ये कैसे फल है? बोले फल दो तरह का होता है। एक फल तो होता है वो पकने से पहले पेड़ से तोड़ लाओ और कार्बाइड देकर गर्मी जगह पर उसको पका लेना, ये एक फल होता है। और एक फल होता है जो पेड़ में स्वाभाविक रूप में पकता है। दोनों फल में ज्यादा स्वाद किसमें है? जो पेड़ में स्वाभाविक रूप में पकता है। इसलिए ये फल को कोई जोर जबरदस्ती कहीं उतारा नहीं, वो अपनी आप पेड़ में ये फल पका। एक तो पका हुआ फल, बोले सुख मुखात अमृत द्रव संजुतम। फिर सूख पखी ने जाकर के उसको चोंच मारी। जो चोंच मारी, एक कहावत है, जो फल को तोता अगर उसमें चोंच मार देना उसमें ज्यादा मिठास आ जाता है, मिठास आ जाता है। और तोता का एक विशेष गुण, क्या गुण है? वो कभी कच्चा फल में चोंच नहीं मारेगा, वो पक्का फल में ही चोंच मारेगा। इसका मतलब है ये भागवत एकदम पक्का हुआ फल, ये फल कच्चा फल नहीं है। ये वह उसका दूसरा तीसरा अर्थ कहते हैं, कहते भैया ये फल कहाँ फला था? कहते ये पेड़ का सबसे ऊंचाई शाखा पर ये फल फला हुआ था, लेकिन ये किसका नजर में नहीं आया? किसका नजर में आया? सुख मुखा, ये सुखदेव गोस्वामी का नजर। बोले क्यों, इनकी नजर में क्यों आई? और बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनि थे, कर्मी ज्ञानी योगी भोगी थे, इनकी नजर में क्यों नहीं आई? बोले इसलिए नजर नहीं आए, ये कोई के कोई, ये गुरु परंपरा में कोई नहीं थे, लेकिन सुखदेव गोस्वामी गुरु परंपरा में आए हैं। ये फल सबसे पहले भगवान ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी उसी फल किसको दिया? नारद जी को दिया, नारद जी फिर व्यास को दिया, फिर व्यास ने सुखदेव को दिया। इसका मतलब है जब तक आप किसी शुद्ध गुरु परंपरा में नहीं आओगे ना, ये फल आपको दिखेगा नहीं, ये फल तुमको नहीं मिलेगा। इसलिए सुख मुखात, इसलिए सुखदेव ने इसको चोंच मारी। जब चोंच मारे एक में तो पका हुआ फल, चोंच मारते ही गिरा। तब उदाहरण देते हैं, अगर सबसे ऊंचा सखाई पर कोई आम फल एकदम बहुत पका हुआ पूरा, अगर वो चोंच मारेगा गिरेगा तो क्या होगा? वो फट जाएगा ना, इतना ऊंचा से फट जाएगी। बोले वो फल फटा नहीं? बोले नहीं, वो जितना नीचे आता गया ना उतना ज्यादा मीठा सा आता गया। उदाहरण दिया, जैसे ये फल सबसे पहले कृष्ण खाए, उसमें कृष्ण की अधरामृत लग गया, फिर उसी अधरामृत को ब्रह्मा जी को दिया तो उसमें ब्रह्मा जी की भी अधरामृत, फिर उन्हें नारद जी खाए उनका भी अधरामृत, फिर उसको खाए श्री व्यास देव, जैसे पहले कृष्ण प्रसाद पाते हैं, उसको राधा रानी पाती हैं, फिर ललिता उसको बाद में, फिर उसको रूपमंजरी, फिर उसको विनोद मंजरी, फिर उसको कमल मंजरी। ये जितना नीचे प्रसाद आता है ना सबका अधरामृत, और नीचे जो रहेगा ना सबका अधरामृत उसको मिलेगा, उसको सबके। इसलिए कहते ये जो फल आया है वो वहां से नहीं गिर गया। जैसे उदाहरण दिया, मेरे पास में कोई पका फल, मैंने इनको दिया, उन्होंने उनको दे दिया, उन्होंने उनको दे दिया, उन्होंने उनको, अगर पीछे व्यक्ति को पास में पहुंचा तो यूं के त्यों पहुंचेगा, उसमें थोड़ी सी खोरच तक भी उसमें नहीं आएगी। इसलिए जब श्री सुखदेव गोस्वामी ने उसमें चोंच मारी, उसमें ज्यादा मिठास आ गया। बोले क्यों मिठास आ गया? कहते प्रिया सुख श्री वृषभानुजाया। ये जो सुखदेव गोस्वामी, ये राधा रानी की प्रिय सुख है। राधा रानी का प्रिय सुख मतलब राधा रानी का एक दासी। साधारण व्यक्ति अगर कथा सुनाए उसमें कितना मिठास, अगर राधा रानी का जो कुंज में रहने वाले, उनकी दर्शन करने वाले, कोई अगर सखी, कोई अगर मंजरी कथा सुनाएगा तो उसमें कितना स्वाद नहीं आएगा। इसलिए बोले जब श्री सुखदेव गोस्वामी के मुंह से कथा निकली, इतने मिठास उसमें आ गया, इतने मिठास आ गया। बोले भैया इसको कब तक पिए? बोले आलयम। बोले आलयम मतलब क्या? बोले पी पी कर जब तक बेहोश नहीं हो जाते तब तक पियो। जैसे कि शराब ही होता है ना,
कब तक शराब पीता है? जब तक वो बेहोश नहीं हो जाता है तब तक पीता है, और पी पी कर गिर जाता है, फिर जब उठता है ना फिर पीता है। इसलिए कहते हैं मुँह रहो भैया, पी पी करके बेहोश हो जाओ, जो उठो ना फिर पियो, ये कथा को छोड़ना नहीं। इसलिए इसको मुहुर मुहु पुनः पुनः इसको पियो। बोले भैया पीते तो है लेकिन निकल जाता है, लेकिन हमारे बहुत सारे छेद अंदर में, काम क्रोध लोभ मोह ये सब के सब छेद निकल जाती, पीते तो निकलता निकल जाती हैं। तब उन्होंने उदाहरण दिया, बोले देखो एक उदाहरण दिया जैसे घड़ा में, घड़ा में छेद ही छेद है, अगर उसमें पानी डालोगे तो सब निकल जाएगा। बताओ ऐसे कौन सा उपाय है भले ही घड़े में जितने छेद क्यों नहीं हो, अगर उसमें पानी डालोगे ना एक बूंद भी निकलेगा नहीं, क्या उपाय है बोलो? हाँ, उसको पानी में डूबो करके घड़े को रख दो, भले ही उसमें जितना छेद क्यों नहीं हो नहीं निकलेगा। कहते इसका तात्पर्य यह है, हम सबके अंदर में काम क्रोध लोभ है कि नहीं है? लेकिन अब एक चीज का अनुभूति करना, जब तक ये कथा रस में बैठे हो आपका कोई काम सता रहे, कोई मोह सता रहे, कोई लोभ सता रहे, कोई कोई आ रहा है कोई हृदय में, कोई काम क्रोध कोई याद है, बेटा बेटी नाती पुतनी कोई याद आ रही, कुछ नहीं आता है। इसलिए यहाँ पर कहते हैं अगर हर समय तुम ये कथा रस में डूबे रहोगे ना, ये काम क्रोध लोभ तुम्हारी कुछ भी नहीं कर सकता है, कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं सुनिया गोविंद रब अपनी पलावे सब, जैसे शेर जब दहाड़ मारता है ना, हाथी कितने बड़े हाथी होता है और शेर कितना छोटा होता है, इसकी दहाड़ सुन करके बड़े बड़े हाथी वहां से भाग जाते हैं। कहते जो भगवान की कथा है ना वो शेर जैसे और ये काम क्रोध जैसे मतवाला हाथी जैसे, अगर भगवान की कथा रस में कोई डूबेगा तो ये काम क्रोध अपने आप भग जाएगा। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जोर से बोलो बोले श्रीमद भागवत कथा मृतम की जय। इसलिए यहाँ पर कहते हैं भैया ये रस को कौन पी सकते हैं? बोले रस को क्या? बोले दो व्यक्ति पी सकते हैं, बोले भावुका रसिका और भावुक, ये दो व्यक्ति ही कथा रस को पान कर सकते हैं, ये कथा को सभी पान नहीं कर सकते हैं। बोले कथा को कहाँ पान करनी चाहिए? बोले भूवि, भूवि मतलब ये इसी पृथ्वी में बा वृंदावन धाम में, ये मरते जगत में ही ये रस को पान करते हैं। इसलिए कल हम सुन रहे थे ये कथा स्वर्ग में भी नहीं, ये कथा ब्रह्म लोक में भी नहीं, ये कथा शिव लोक में भी नहीं, कहते ये वैकुंठ नास्ते रस, ये कथा वैकुंठ लोक में भी नहीं, कहाँ पर ये कथा रस है? ये पृथ्वी जगत में ही ये कथा भागवत कथा यहीं पर। बोले भैया ये रस को तो सभी ने पिए लेकिन पूर्ण रूप में रस को किसी ने पान की, ये रस किया है? बोले कृष्ण की अधरा मृत ही रस है। बोले रस को पान किसने किए? बोले ब्रज गोपियों ने, राधा रानी ने, इसको पूर्ण रूप में ये रस को उन लोगों ने ये रस पान किए। इसलिए जो तीसरा जो श्लोक है ये आशीर्वाद भाई हमारे प्रयोजन, क्या प्रयोजन है हमारी, प्रयोजन क्या प्रयोजन है? ये गोपियों ने ब्रज वधु वर्गेण जा कल्पिता, ये ब्रज गोपियों ने जो रास्ता को अपनाया ये रास्ता सर्वश्रेष्ठ मार्ग, इससे बढ़कर के जगत में कोई मार्ग है नहीं। ये चैतन्य महाप्रभु यही प्रेम को देने के लिए ब्रह्मा का एक दिन में एक बार आकर के श्री महाप्रभु यही प्रेम को जगत में प्रदान करते हैं। बोला श्री सच्चिदानंदन गौर हरि की, बोला श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, जय श्री राधे। बोले ओम नैमिषे अनिमिषे क्षेत्रे ऋषयः शौनकादय सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममासत। कहता अभी घोर कलिजुग आया है, अभी कलिजुग से डरते हुए शौनकादि ऋषियों ने ब्रह्मा जी के पास में गए। बोले ये कलिजुग से हम बच्चे कैसे? बोले कोई चिंता मत करो, मैं अपना मन से एक चक्र प्रकट करके फेंकूंगा, वो जहाँ पर गिरेगा वही स्थान में भजन करो, तुमको ये कलिजुग का प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये चक्र जा करके नैमिषारण्य में पड़ा, नैमिषारण्य मतलब होता है जो चक्र का ऊपर भाग को नेमी कहते हैं, बाद हमारा आग का जो पलक झपती है ना उसको एक निमिष कहते हैं ना, इसको भी एक नेमी कहते हैं, जहाँ पर एक निमिष मात्र समय भी नष्ट नहीं होता है। कभी ठाकुर जी एक निमिष में राक्षस का बल को वहाँ पर संहार किया था, इसलिए भी वो नैमिषारण्य। अब लोग गए हो नैमिषारण्य,
कौन कौन गए हाथ उठाओ तो। एक माता गई, दूसरे व्यक्ति गए, और कौन जाना कौन चाहता है बोला, सबको ले चले गए। हाँ, वहाँ पर गंगा नदी प्रवाहित तो हो रही है, जहाँ पर वहीं पर ही ये सौनकादि ऋषि लोग वहीं पर बैठी करके यज्ञ कर रहे थे, ठाकुर का सेवा पूजा कर रहे थे। लेकिन करते 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 उनके हृदय में शांति नहीं मिल रहा था, हैं, यज्ञ करते करते उनको समझो उनके हृदय तक भी जल गई, उनकी केस उनका मोच तक भी जल गया, लेकिन शांति नहीं मिल रही। एक दिन भगवत इच्छा से वहाँ पर श्री सुत गोस्वामी आते हैं। बोले दो सूत हैं, कहते एक लोमहर्षण सूत और एक उग्र सभा सूत है। हैं, यहाँ पर श्री उग्र सभा, उग्र सभा मतलब जिन जो एक बार सुने तो जिसको याद कर देते हैं। इसलिए जब श्री सुखदेव गोस्वामी कथा कर रहे थे, ये सबसे पीछे बैठे हुए थे, लेकिन पूरी भागवत को इन्होंने अपना हृदय में उन्होंने धारण किया, उन्होंने श्री सुत गोस्वामी ने धारण किया सबके सब। इसलिए एक दिन भगवत इच्छा से जब वहाँ पर आए तो सौनकादि ऋषि लोग ने उनको वहाँ पर स्वागत किया, आसन दे करके बैठाए, और बैठा करके श्री सुत गोस्वामी को प्रश्न करते हैं। बोले हे सुत गोस्वामी, आप तो गुरु जी की कृपा से इस जितने पुराण इतिहास शास्त्र को अपने सबके सब श्री गुरु जी की कृपा से ही प्राप्त किया है, इसलिए यहाँ शिक्षा देते हैं कि जो ब्रह्म विद्या है ये खुद पढ़ करके ये धारण करने वाले वस्तु नहीं। अगर कोई सोचे हम क्या काम लिखा बड़ा है, हम भी संस्कृत में PhD किया है, हम शास्त्र नहीं समझ सकते हैं, हम शास्त्र कोई जरूरत नहीं, गुरुपुरु का कोई जरूरत नहीं। बोले नहीं, शास्त्र पढ़ कर कोई मरता कोई तरता है, अपने आप पढ़ोगे तो मरोगे, तरोगे नहीं मरोगे। इसलिए गुरुदेव एक उदाहरण देते थे, अच्छे उदाहरण देते थे। शास्त्र में केवल वहाँ शब्द है, कोई टोन नहीं, कोई टोन नहीं, केवल उसमें शब्द है। जैसे देखो कैसे गुरुदेव उदाहरण देते थे, गीता तो एक ही है, लेकिन इतना टिका कैसे हो गया, ज्ञान ज्ञान मार्ग कर्मी कर्मी जोगी जोगी भोगी, कैसे एक शब्द इतना अर्थ कैसे हुआ। कहते ये शास्त्र कल्प तरु है, कल्प वृक्ष। गुरुदेव उदाहरण देते थे, जैसे हम इनको पूछ रहे हैं आप कहाँ गए थे, इसका मतलब आप कहाँ गए थे हमें पता नहीं। अगर बोले आप कहाँ गए थे, इसका मतलब आप जहाँ गए थे ना हमें पता है। अगर हम बोले कहाँ गए थे, इसका मतलब जहाँ गए थे आप सही जगह पर नहीं गए, गलत जगह पर गए थे। क्यों गए थे, कहाँ गए थे तुम। देखो शब्द तो एक ही, लेकिन वो टोन से क्या होगा, शब्द का अर्थ बदल गया कि नहीं। कहते गुरुदेव कहते थे इसमें केवल उसमें शब्द टोन कोई है नहीं। इसलिए जब तक तो कोई गुरु परंपरा की अनुगत्य में शास्त्र नहीं पढ़ेंगे, ये शास्त्र हमें जहर देगा, ये विष देगा, ये प्रेम देने वाले नहीं हैं, प्रेम देने वाले नहीं। इसलिए भागवत का जो उपसंहार में बताया कैवल्य एकम प्रयोजनम, भागवत का सार किया, अगर कोई ज्ञानी पढ़ेगा ना बोले कैवल्य बोले मुक्ति। लेकिन यही श्लोकों को हमारे गुरुवर्ग टीका क्या कहते, बोले केवल एक, बोले क्या, बोले एक ब्रज प्रेम, बोले उसमें भी राधा रानी का प्रेम, गोपियों की प्रेम ही हमारे एकमात्र प्रयोजन। एक ही शब्द है तो कैसे अलग अर्थ होता है। इसलिए बोले आप गुरु जी की कृपा से ही अपने ये सारे शास्त्र वेद शास्त्र को अपने अध्ययन किया, गुरु कृपा से ही मिला है। और जो कलयुग है, बोले प्रायण अल्पायुष सभ्य कलाभस्मीन जुगे जना, मंदास्तु मंद मतयो मंद भाग्य जुप द्रुता। ये कलयुग की दुर्दशा को वर्णना करते हैं। कलयुग में प्रायण अल्पायुष, प्राय करके लोगों का आयु बहुत कम है। पहले लोग सत्ययुग में 100,000 साल रहते थे, त्रेता युग में 10,000 हो गया, द्वापर युग में 1,000, कलयुग में 100। अभी 100 साल भी कोई जिंदा नहीं रहते, क्यों, हाइब्रिड से सब चीज बनती है, उल्टा पुल्टा प्रदूषण से। इसलिए लोग अभी, पहले ये नियम होता था, एक फिक्स परमायु होता था, उसको पहले कोई नहीं मरते थे, कोई नहीं मरते थे। लेकिन अभी कोरोना आया, देखो कितने लोग मर रहे, कोई संख्या नहीं। हमने जो श्वास छोड़ा है दूसरा बार भी श्वास ले पाएंगे ये भी कोई बता नहीं सकते। इसलिए प्राय करके कलयुग में अर्पायु, उसमें भले मंदा सुमंद मतयो, कलयुग जीव का जो मति है अत्यंत अत्यंत मंद मति, बहुत ही मंद मति। विशेष करके ये TV आ गया, स्मार्टफोन आ गया, फिर इंटरनेट आ गया, ये तो सबके सब बुद्धि खराब कर दिया। पहले ये सब चीज नहीं होती थी, इसलिए लोग गीता रामायण भागवत पढ़ते थे। अभी देखो, जब देखो बस
छोटे छोटे बच्चे भी, एक साल का बच्चे देखो, वो भी स्मार्टफोन के बगैर रहता नहीं है, उससे फोन छीन नहीं सकते, बच्चों को ऐसी आदत बन गई। हमें जो पता नहीं वो बच्चों को पता है, हैं? वो दबा करके, हम किसी घर में गए थे, इतना छोटा बच्चा पता नहीं क्या क्या दबा करके निकाल देता है, उसको अभी ठीक से बोली उसका नहीं निकल रहा है, उसमें भी वो बोल रहा था। मैंने भैया उसको सीखा घास हो ऐसे। इसलिए कली युग में ये सब चीज है ना, ये सब चीज निकल करके जीवों को, बुद्धि को भ्रष्ट कर देगा जीवों को। इसलिए मंदा सुमंद मत है वो, बोले मंद नहीं बहुत ही मंद मत है। फिर झुपदुता मतलब क्या है, अगर पत्नी अगर भजन में कथा सुन करके, अगर पत्नी को थोड़ी भक्ति में रुचि हो जाए, पति को अगर नहीं हो ना, पति कौन सा बाबा की चक्कर तो पड़ गई, जब देखो चलो मंदिर में, हाँ गीता भागवत पढ़ो, अगर पति को अगर किसी तरह से भक्ति में रुचि हो गया, फिर पत्नी बोले कोई काम धाम नहीं, जब देखते हो मलाल कर बैठ जाते हो घर का काम। अगर बच्चे अगर भक्ति में आ गए, भले ये कोई उम्र तेरा अभी भजन करने का है, अभी कोई तेरा उम्र, अगर शराब पीता है ना, बोले वेरी गुड, मालो बच्चा तो बड़ा एडवांस हो रहा है, सिगरेट पी अगर भजन में आ जाए, बोले ये कोई उम्र तेरा है। इसलिए कली युग में इतने उपद्रव कली युग में, इसलिए उन्होंने उनको छह प्रश्न करते हैं, हैं? छह प्रश्न करते हैं, जो छह प्रश्न का जो उत्तर है ना, ये पूरी भागवत है। आज छह प्रश्न सुन लो, कल मेरे को कोशिश करना बताने के लिए, ठीक है? जो बोलेगा उसको इनाम देगा। हाँ, ये जो प्रश्न है बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है कि आत्मा को शांति कैसे मिले। देखो हम जीवन में जो कुछ करते हैं किसके लिए करते हैं, शांति के लिए, सब कुछ शांति के लिए करते हैं। जैसे घर में एक समस्या, कोशिश करते एक समस्या दूर हो जाए ना, शांति मिलेगा। देखना एक समस्या तो दूर नहीं हो, दूसरा समस्या आ जाती, फिर कोशिश करते ये समस्या दूर हो जाए शांति मिलेगा, देखना वो समस्या तो दूर हुई नहीं। अब समुद्र में कभी देखे हो लहरी आती है, कहते एक लहरी चला गया, वैसे चला गया नहीं, दूसरे पीछे और एक लहरी, उसको पीछे और एक लहरी, कहते ये जगत में समस्या कभी जीवन का दूर नहीं होता, एक बात में एक बात में एक फंसते जाते हैं। इसलिए इनका पहला प्रश्न है कि आत्मा को शांति कैसे मिलेगी, है शांति का। दूसरा प्रश्न है, उसमें सब लिंक है, ये सारे प्रश्नों के साथ में लिंक एक का। दूसरा प्रश्न है कलि युग में भगवत प्राप्ति का सबसे सरल उपाय क्या है। इसका मतलब शांति तभी मिलेगी तुम्हें जब तक ये भगवत प्राप्ति तुम्हें नहीं हो, भले ही लाख कोशिश कर दो ये तुम्हें शांति मिलने वाले नहीं। इसलिए तभी मिलेगा, कृष्ण गीता में कहते हैं ना, तत्प्रसादात पराम शांति, तभी पूर्ण शांति तुम्हें मिलेगी, केवल ठाकुर गोविंद देव की कृपा से ही तभी तुम्हें ये पूर्ण शांति की प्राप्त हो सकती है। तो तीसरा प्रश्न है भगवान कृष्ण की कथा सुनाओ, लेकिन कृष्ण एक होने पर भी कृष्ण तीन है, एक पूर्ण पूर्णतर पूर्णतम। वही कृष्ण जब द्वारका में पूर्ण, जब मथुरा में पूर्णतर, जब वृंदावन में रहते ये पूर्णतम। इसलिए हमें ये तीनों धाम की कथा हमें श्रवण कराओ, क्यों कृष्ण कथा में ही शांति है। शांति किसमें, कृष्ण कथा में। इसलिए जब तक यहाँ बैठे रहो, कहाँ पर बैठे हो, गोविंद देव की गोद में बैठे हो, ठाकुर जी की गोद में बैठे हो, हैं? यहाँ से केवल निकल, यहाँ से गेट को केवल पार हो जाओ, जब तक यहाँ बैठे हो काल यहाँ फटक नहीं सकते, ठाकुर की गोविंद देव की गोद में बैठे हो, हैं? केवल ये गेट पार हो जाओ ना, घर में जाने पर ये समस्या, घर में बहू को साथ में बनती नहीं, बेटा बात नहीं सुनता, पति बिगड़ते हैं, केवल गेट पार हो जाओ ना, सारे चिंता तुम्हारे दिमाग में आने लग जाएगा। लेकिन जब तक यहाँ बैठे हो ना, सारे चिंता से तुम मुक्त हो, सारे चिंता से। क्यों, ये प्रभुपाद कहते थे, मैंने ये मंदिर नहीं बनाया, मैंने साक्षात गोलोक वृंदावन से राधा रानी का निकुंज मंदिर को मैंने यहाँ प्रकट किया है, हैं? राधा रानी की निकुंज मंदिर ही ये मंदिर है। इसलिए ये तीनों कृष्ण की कथा सुनाओ। और चौथा प्रश्न है, केवल कृष्ण कथा नहीं, जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अद्भुतानम धर्मस्य तदात्मान सृजाम्यहम परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृतम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इसलिए कृष्ण हैं अलग अलग समय पर कैसे उन्होंने अलग अलग कैसे अवतार, मत्स्य कुर्म बराव नृसिंह बामन, उन्होंने जो ये अवतार लिए हैं उनके अवतारों का कथा भी हमें कृपा करके श्रवण कराओ। उनका जो पंचमा प्रश्न है,
भगवान की जो अद्भुत जस है, उनका जो महिमा है, हैं उनकी अद्भुत जस और उनकी महिमा, जो काल को काल भगवान है, सारा दुनिया काल को डरता है, लेकिन काल किसको डरता है? भगवान भक्तों को डरता है। इसलिए जत व्यति स्वयं भयम, भय काल भी जिनको डरता है, ऐसे जो भगवान की जो अद्भुत जस है, जस में सर्वश्रेष्ठ जस उनकी रासलीला है, उनकी गिरिराज गोवर्धन ठाकुर कैसे धारण किया, इसलिए हमें ये जस सुनाओ। और जो छठवां प्रश्न है, जब भगवान ये जगत छोड़ करके गए, ये कलयुग में धर्म कहाँ पर आश्रय लिया? धर्म कहाँ आश्रय लिया? भागवत ग्रंथ में। कलयुग में धर्म भागवत ग्रंथ में आश्रय लिया। उन्होंने जब ये छह प्रश्न सुन करके बड़े खुश हो गए श्री सुतो गोस्वामी। क्यों? ये जितना प्रश्न सब भगवत संबंधित युक्त प्रश्न है। उन्होंने देखा अभय दुनियादारी का कोई बात हम नहीं करनी है, हमें केवल ठाकुर का चर्चा होगा और ठाकुर की चर्चा में ही शांति है। इसलिए यहाँ सिखा देते हैं साधुओं को, पास में जाकर दुनियादारी की कोई बात मत किया करो, क्योंकि जो सही साधु वो क्या करते हैं, कथ मत कथा मत गता चिंता बधयंत परस्पर। सही साधु का जो लक्षण है भगवत चिंतन, भगवत कथा, भगवत भजन में डूबे रहते हैं। अगर हम दुनिया की बात किया तो क्या हुआ, उनको भगवत चिंता से छुड़ा करके हम उसको दुनियादारी की चिंता में लगा दें। इसलिए उनको पास में केवल हरिचर्चा, उनके पास में जाकर के केवल हरिचर्चा करो। इसलिए लोम हर्षणी निकी रोम रोम खिली उठा, बोले क्यों? केवल अभी हरिचर्चा होगी, हरि की कथा होगी, जिसमें आनंद ही आनंद है। तब उन्होंने बोले, मैं पहले अपना गुरु जी के चरणों को वंदना करता हूँ प्रणाम करते हुए, फिर तुम्हारी प्रश्न का मैं उत्तर देता हूँ। बोले बंदा हूँ गोरो पद पदो माँ पराजा, बंदा हूँ गोरो पद पदो माँ पराजा, आ बंदा हूँ गोरो पद पदो माँ पराजा, बंदा हूँ गोरो पद पदो माँ पराजा, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। सीताई गौरंग जय सीताई गौरंग, सीताई गौरंग जय सीताई गौरंग, सीताई 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 गौरंग, प्रभजन्त मनुपेत मपेत कृत्यम द्वैपायन विरह कातर आजुभाव
पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदु स्तम सर्वभूत हृदय मुनिमान तुस्मि। कहते मेरे गुरुदेव श्री सुखदेव गोस्वामी, इसलिए सबसे पहले उन्होंने श्री गुरु जी की चरण की वंदना किया, क्योंकि गोस्वामी जी कहते हैं बिनु गुरु भवनिधि तरई न कोई, जो बिरिंची शंकर सम होई। इसलिए ब्रह्मा शंकर जैसे बन जाओ, अगर गुरु जी की चरण को आश्रय नहीं करे तो ये भवसागर से पार नहीं हो सकते। इसलिए सबसे पहले उन्होंने श्री गुरु जी के चरण को उन्होंने वंदना किया। बोले मेरे गुरुदेव श्री सुखदेव गोस्वामी। बोले ये सुखदेव कैसे हैं? बोले जो मातृ गर्भ में 16 साल तक रहे, वो निकलना नहीं चाह रहे थे। इतने में एक दिन श्री व्यास देव बोले, माँ को इतना कष्ट क्यों दे रहे हो बेटा, बाहर निकल करके आ जाओ। बोले पिताजी मैं बहुत बढ़िया हूँ, यहाँ पर आनंद में हूँ, यहाँ से निकलना नहीं चाहता हूँ। क्यों? यहाँ का पर कोई माया का स्पर्श नहीं, और जो मातृ गर्भ में बच्चा रहता है ना, 7 महीना में ज्ञान होता है, ठाकुर का दर्शन मिलता है। ठाकुर जी कहते बताओ अभी क्या करोगे? बोले ठाकुर इस बार मेरे को केवल एक बार श्री मानव शरीर दे दो, उठते बैठते सोते तेरा मैं भजन करूँगा। इसलिए मातृ गर्भ में बहुत बढ़िया भजन हो रहा है। शिक्षा देते हैं जहाँ पर तुम्हारी भजन होना वो सबसे बेस्ट स्थान है। इसलिए हमारी संप्रदाय में श्री गौर किशोरदास बाबा जी महाराज जी, आपको पता है कहाँ भजन करते थे? पायखाना अंदर दरवाजा बंद करके इतने जोर जोर से हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। और पायखाना अंदर बैठकर भजन करते थे। बोले क्यों? बोले ये साधा जो बाहर जो लोग है, जो विषय लोगों का बात सुनना नहीं पड़ेगा है, सब जानते थे सिद्ध बाबा है, कुछ बोल दे हो जाता है सारा दुनिया। आज मेरे बेटा का परेशानी, स्त्री की परेशानी, बच्चा का, सारा दुनिया की बात बोलते थे। बोले भैया ये विषय चर्चा से तो अच्छा है, ये पायखाना अंदर पूरा बंद कर देते, कोई जाकर दरवाजा खटखट नहीं खोलते थे। बोले यहाँ पर तो बढ़िया भजन हो रहा है। और श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, ये तो जो कांटा की जो मछली का जो कांटा चारों तरफ में बिछा लेते थे और बीच में भजन करते थे। बोले क्यों? लोग ये समझे ये मछली खाने वाला हुआ है, इसलिए मेरे पास में कोई आएगा नहीं, कोई डिस्टर्ब मेरे को नहीं करेगा, इसलिए यहाँ मस्ती से मैं भजन करूँगा। इसलिए सुखदेव गोस्वामी कहते मैं बढ़िया हूँ, यहाँ पर कोई चिंता नहीं, माँ के पेट में बैठी करके मैं भजन कर रहा हूँ। और ये संसार की माया है, क्योंकि मातृगर्भ में हर जीव भगवान से कसम खाता है, प्रभु एक बार ये मानव शरीर दो, कभी ये झूठे माया में मैं प्रवेश नहीं करूँगा है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। भजन के लिए तो आए, अगर किसी को बोले थोड़ा हरि नाम का, बोले समय कहाँ है? भजन के लिए तो आए यहाँ पर, लेकिन वहां से आकर के सब के सब यहाँ भूल जाते हैं। इसलिए कहते हैं मैं तो यहीं पर बढ़िया हूँ। भले भैया मैं माया को हटा देता हूँ है, भले आप नहीं हटा सकते, आप भी माया में हो, क्योंकि हर पिताजी के मन में ये इच्छा होता है बेटा जन्म ले तो उसका मुख में दर्शन करूं। बोले आप भी माया में हो, आप क्या माया को हटाओगे? बोले कौन हटा सकता है? बोले मायापति ये गोविंद देव हटा सकते हैं। इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं दैवी जैसा गुणमयी मम माया दुरोतया, ये माया मेरी माया है, माम एवं जे प्रपद्यन्ते माया एताम तरन्ति ते है। इसलिए ये माया को पार करना कोई साधारण बात नहीं। तब कृष्ण को बुलाए, एक मुहूर्त के लिए उन्होंने माया को हटाए तो श्री सुखदेव गोस्वामी प्रकट हुए। बोले श्री सुखदेव गोस्वामी की जय। लेकिन एक जन्म होते ही कहते जम प्रभजंत मनुपेतम अपेत कृतम, अभी उनकी उपनयन संस्कार भी नहीं हुए, बस सन्यासी बन करके जा रहे थे। इतने में उनको पीछे पीछे पिताजी हा पुत्र बोल करके जा रहे थे, प्रतिध्वनि आ रहा था हा पुत्र कौन किसका बेटा, कौन किसका पिता, ये तो माया की संसार है। मैं भी कभी आपको पिता रहा होगा, संसार झूठा संसार है, कोई किसी का नहीं। तब यहाँ सुतो गोस्वामी ये श्लोक में अपना गुरु जी की महिमा बता रहे हैं। बोले गुरु जी की क्या महिमा है? बोले तन मया तरबो भी ने दू, कहते मेरे जो गुरुदेव है ये लता पता वृक्ष में भी मेरे गुरुदेव का अभिव्यक्ति, गुरुदेव का अधिष्ठान है, है? क्योंकि जहाँ पर कृपा हरि की हो ता पर कृपा करे सब कोई, जो भगवान की प्यारा बन जाता है ना सारा दुनिया को प्यारा बन जाता है,
जो ठाकुर को जैसे हनुमान जी, तुलसीदास जी, हमारे गोस्वामी लोग भगवान की भक्ति किया, देखो सारा दुनिया उनको प्रेम करते हैं। इसलिए जो भगवान के प्यारा बनता है सारा दुनिया को प्यारा बन जाता है। इसलिए जब श्री सुखदेव गोस्वामी संन्यास लेकर जा रहे हैं, ये वृक्षों से भी आवाज आ रहा है, हा पुत्र हा पुत्र, वो भी उनको अपना बेटा मानते हैं। उसका दूसरा अर्थ कहते हैं, मेरे जो गुरुदेव है ना, ये सारे लता पता वृक्षों में भी मेरे गुरुदेव का विद्यमान, गुरुदेव सर्वत्र विद्यमान गुरुदेव है। जब गुरुदेव सर्वत्र विद्यमान है, गुरुदेव मेरे हृदय में भी प्रकट हो जाए। प्रकट होकर के श्री सौनकादि ऋषियों ने मुझे जो प्रश्न किया है, जैसे ये प्रश्न का मैं सही सही उत्तर में दे पाऊँ, तो उन्होंने गुरु जी की चरण में प्रणाम करते हुए तो उन्होंने प्रश्न का उत्तर दे रहे। पहला प्रश्न क्या था बोलो, पहला प्रश्न क्या था? हाँ देखो, ये जो प्रश्न है ना, ये अरब खरब रुपया की प्रश्न है। आत्मा को शांति कैसे मिलेगा? हम जो कुछ करते हैं शांति के लिए ही सब कुछ करते हैं, लेकिन अशांत का कारण बन जाता है। शांति के लिए तो करते हैं लेकिन शांति नहीं मिल पाता है, इसलिए ये अरब खरब रुपया के प्रश्न है। इसलिए इसका उत्तर देखो, पहला श्लोक प्रश्न का उत्तर देते हैं, बोले सबई पुंसांग परो धर्म जत भक्ति रधोत्सजे आहितु की अप्रतिहता जया आत्मा संप्रसिद्धति। बोले आत्मा को जया आत्मा संप्रसिद्धति, संप्रसिद्धति मतलब जिसको द्वारा आत्मा को सम्यक रूप में पूर्ण रूप में शांति मिले। लेकिन ये संसार में थोड़ी समय के लिए कहीं शांति आती है, थोड़ी समय के लिए, फिर तो कहीं गायब हो जाता है, फिर कहीं गायब हो जाता है। लेकिन ये कह रहे हैं जया आत्मा संप्रसिद्धति, जिसको द्वारा आत्मा संपूर्ण रूप में शांति प्राप्त करेगा। इसलिए जो शांति मिलने पर वो शांति कभी खोएगा नहीं, हर समय वो शांति में आनंद में रहोगे। बोले कैसे? बोले सबई पुंसांग परो धर्म है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु को भी यही प्रश्न श्री सनातन गोस्वामी ने किया था। उन्हें दो प्रश्न किया था, पहला प्रश्न था के आमी, बोले मैं कौन हूँ, के न मरे जारे तापत रहे। कोई तो कोई व्यक्ति भी क्या दुख को कोई घर में बुलाते हो क्या? बताओ, कोई निमंत्रण देता है हमारे घर में ये दुख आए? लेकिन ये बगैर निमंत्रण के दुख घर में क्यों आता है बिना कारण के? इसलिए के न मरे जारे तापत रहे, ये जो तीन तरह का जो ताप है, आध्यात्मिक आदि दैविक और आदि भौतिक, ये जो तीन तरह का दुख हमें क्यों सताता है? उन्होंने भी यही प्रश्न किया। तो महाप्रभु भगवान ने क्या उत्तर दिया? बोले जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। बोले पूछा ना मैं कौन हूँ, पहले तो ये समझो मैं कौन हूँ, उसको बाद में तो फिर करोगे। जैसे किसी ऑफिस में जाओ, फिर आपका क्वालिफिकेशन पूछेंगे ना, आपने CA किया ना, डॉक्टरी किया ना, इंजीनियरिंग किया, आपके ठीक उसी अनुरूप आपको नौकरी मिलेगी। अगर कोई CA किया होगा उसका इंजीनियरिंग का काम देखो थोड़ी कर सकता है, जो इंजीनियरिंग किया उसका डॉक्टर का काम देखो थोड़ी कर सकता है। आप जो है आपका अगर वो काम दिया जाए फिर आप वो काम को कर सकते हो। इसलिए सबसे पहले हमें ये समझनी चाहिए मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। इसलिए मैं कौन हूँ, बोले जीवेर स्वरूप है कृष्णर नित्य दास। ये जीव का जो स्वरूप है ये सबके सब भगवान के नित्य दास हमें, थोड़ी समय के लिए, हर समय के लिए, ममई बांस जीव लोक जीव भूत सनातन, हम सबके सब भगवान की अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जो जीव है भगवान का अंश। जब हम उनका अंश, फिर हमें क्या करनी चाहिए? उनकी सेवा करनी चाहिए, ठाकुर की सेवा करनी चाहिए। हैं इसलिए केनो मरे जारे तापत राय, बोले कृष्ण भूली सही जीव अनादि बहिर्मुख। दुख का कारण क्या है? हम अनादि काल से भगवान की सेवा छोड़ करके ये माया की सेवा में लग गए, ये दुनियादारी की सेवा में हम लग गए। इसलिए ये माया क्या करे, डंडा मार रही है, ये माया हमें डंडा मार रही है। बोले तुम तो भगवान की सेवक हो, लेकिन उनका सेवक आई छोड़ करके तुम अभी माया की सेवा में तुम्हें लग पड़े हो, इसलिए ये माया डंडा मार रही है, तरह तरह का दुख कष्ट। ये माया, इसका हाथ में त्रिशूल है ना, माया के हाथ में क्या कर रही है, महिषासुर की छाती में त्रिशूल लगा करके रखी। ये त्रिशूल मतलब क्या है? ये तीन तरह का जो दुख है, महिषासुर कन हम ही है सबके सब,
सब राख्या सबके सब राख्या से हैं। इसलिए अगर क्या करना पड़ेगा हमें, फिर क्या करो, भगवान की भक्ति करो। बोले हम तो भक्ति कर रहे हैं, बताओ कौन नहीं करता है भक्ति, भक्ति तो सभी कर रहे हैं, लेकिन भक्ति कैसे करनी चाहिए। बोले अहेतु की और अप्रतिहता, भक्ति में कोई कामना वासना नहीं रहनी चाहिए, लेकिन हम क्या करते हैं, जैसे गोविंद देव मंदिर में गए हैं 10-20 रुपया की कोई एक माला लेकर गए, नहीं तो फल लेकर चढ़ाया, लेकिन 10-20 करोड़ों की एक पर्चा भी रख देते हैं। बोले ठाकुर जी इसलिए 20 रुपया की माला चढ़ा रहा हूँ, मेरे घर में देखो मेरे, हमारा तो एक मंजिल, हमारे घर में 3 मंजिल बना दिया ठाकुर जी, अब आकर के 3 मंजिल जैसे बन जाए। हम तो अभी तक बाइक में चलते हैं, हमारे सामने वाले कार में चल रहे हैं, हमें एक कार भी मिल जानी चाहिए। इसलिए ठाकुर जी अभी तो बेटी की शादी नहीं हुई, बेटा का अभी नौकरी नहीं हुआ है, इसलिए 20 रुपया चढ़ाया, अब क्या करो 20 करोड़ों की पर्चा रख दिया, आप आकर के हमारे घर में सारे काम करके जाओ ठाकुर जी, हमारे घर में आप सब काम करके हमारे जाओ, नौकर बनकर काम करो। इसको भक्ति नहीं कहते। इसलिए भक्ति जैसे हनुमान जी, जब भगवान राम बोले हनुमान जी बताओ तुमको क्या चाहिए, हनुमान जी क्या मांगते हैं, बोले बार बार बर मागो हरसे देहु श्री रंग पद सरोज अनुपायनी भक्ति सदा सतसंग। ये हनुमान जी कहते प्रभु आपका चरण में बारंबार एक ही प्रार्थना करता हूँ, पर क्या है, बोले सत्संग दो, आपकी चरण में अनुपायनी अहित हमें भक्ति और आपकी चरण की सेवा। देखो अभी तक हम भक्ति की महिमा नहीं समझ रहे हैं, इसलिए हम दुनियादारी की वस्तु मांग रहे हैं। जब भक्ति का महिमा हम समझ जाएगा ना, हनुमान जी का नाम सुने कि नहीं, कौन कौन जानते हो हनुमान को, सब जानते हो ना, इस अपना दुख तो गया और हनुमान जी के पास में जाकर कहते हैं ना, हनुमान जी हमें ये दे दो, हनुमान जी ये दे दो, क्या जब क्या बजरंग जब नाम सुनावे भूत पिशाच निकट नहीं आवे, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, लेकिन उन्होंने राम का भक्ति प्राप्त किया ना, इसलिए भक्ति में इतने शक्ति, जब ठाकुर को भक्ति मिल जाए ना, सारे संपत्ति आपके हाथ की मुट्ठी में, सारे संपत्ति आ जाके, जब भक्ति आपकी ठाकुर के चरण में भक्ति मिल जाएगा। अभी ये भक्ति की महिमा हम नहीं समझ रहे, इसलिए कहते प्रभु अहेतु की और अप्रतिहता, आपके चरण में जो भक्ति, निष्काम भक्ति आपके चरण में हो और अहेतु की भक्ति हो। इसलिए हमारे रूप गोस्वामी कहते हैं अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्ति रुतमा। उत्तमा भक्ति क्या है, ज्ञान कर्म को तरह ढकने नहीं चाहिए, कोई बिना कामना वासना के हमें भक्ति प्रदान करो। अगर ऐसे भक्ति अगर किसको हृदय में प्रकट हो जाए ना, कहते आपको परम शांति और परम सुख आपको तभी प्राप्त होगा। इसलिए शांति प्राप्ति का केवल एक उपाय है, भगवान की भक्ति करो। बोले भक्ति करेंगे तो कैसे करेंगे, भक्ति करेंगे आपने बताया अहितु की, निष्काम होकर के भक्ति करो। बोले भक्ति कैसे करेंगे, बोले एतत् निर्विद्यमानानां इच्छताम् अकुत भयम् योगिनाम् नृपनिर्णित हरि नामानुकीर्तनम्। ठाकुर जी कलयुग में सबसे सरल उपाय दिया, उनको पता है कलयुग का जीव ज्यादा कुछ कर ही नहीं सकता है, क्योंकि हर तरह से जीव असमर्थ है। इसलिए ठाकुर जी सोच सोच करके इतने सरल उपाय कलयुग के लिए दिया, और किसी युग में इतना सरल उपाय नहीं दिया। सत्ययुग में लोग क्या करते थे, आप सुने होंगे हिरण्यकश्यप ने बिना खाए पिए उसने 60,000 साल तपस्या एक प्यार में खड़े होकर किया। कलयुग में एक अगर एक एकादशी अगर निर्जला करता है ना, बोले भैया ये काम कर दो, बोले आज हमने उपवास रखा व्रत रखा है, बोले एक दिन भी उपवास रह नहीं सकता है, एक दिन भी तपस्या नहीं कर सकते हैं। तृतीया युग में था यज्ञ, अभी यज्ञ के लिए ब्राह्मण चाहिए, हवन सामग्री, और उसमें कितने पैसा की खर्च, कलयुग में कहाँ से लाएगा। अब पहले देखना लोग परिवार में एक व्यक्ति काम करता था, परिवार पूरा के पूरे खाते थे, अभी पति भी काम करता है, पत्नी भी काम करती है, बच्चे भी तभी घर में तभी पूरी नहीं बढ़ता है, हैं? इसलिए बोले कहाँ से इतना लाएंगे जो रोज रोज यज्ञ करे। फिर द्वापर युग में अर्चन है, अर्चन के लिए पंचामृत दूध दही घी शहद फूल चंदन कर्पूर, बोले कहाँ से लाएंगे इतना। इसलिए ठाकुर जी बोले कलयुग में ज्यादा कोई परिश्रम करने का जरूरत नहीं, क्या करो
बोले हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम। और एक बार जोर करके बोलो, बोले हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। बस भक्ति हो गई तुम्हारी, बस भक्ति हो गई, इससे ही बड़ा पार है, ज्यादा कुछ करने का जरूरत नहीं। इसलिए देखो हमारे रूप गोस्वामी कहते हैं, ध्यान देकर सुनो, अगर कोई प्रभु का नाम जप करता है ना, उसको एक साथ में तीन काम होता है। कितना काम होता है, क्या क्या देखो, ध्यान देकर सुनो, कल मेरे को बताना। पहला, अगर कोई प्रभु का नाम जप करे ना, श्री जमपुरी में जब महाराज चित्रगुप्त को बुलाते हैं, चित्रगुप्त कौन है, जो छुपा करके हमारे सारे फोटो को ले रहा है, मरने के बाद सारे कापी निकलता है। हम जैसे जैसे कर्म करते हैं, कोई अगर सोचे नहीं छुप करके दस मंजिली में दरवाजा बंद करके कुछ कर रहा हूँ, कुछ भी हम छुपा करके नहीं कर सकते। दिन में सूर्य किरण सब जगह में ये साखी है, रात को चंद्रमा रात सब जगह में, दस दिशाएं, कोई भी काम को हम छुपा करके नहीं कर सकते, सारे को सारे रिकॉर्डिंग हो रहा है। हम भी जो कथा सुन रहे हैं ना, यहाँ पर भी रिकॉर्डिंग, चित्रगुप्त रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, ये सब के सब कथा सुन रहे हैं, इसका भी फल आपको मिलेगा है। इसका फल तो अक्षय फल मिलेगा, इसका फल तो इतना जो सोच भी नहीं सकते हो, ये भगवत कथा सुनने का इतने महिमा है। बोले पहला काम है, जब महाराज चित्रगुप्त को बुलाता है, चित्रगुप्त को बुला कर बोले देखो इसका नाम को खाता कापी से काट दो। बोले क्यों, बोले ये भगवान का नाम जब कर रहा है ना, वो अब कभी नरक नहीं आएगा। दूसरा काम किया, बोले ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी आरती की थाला लेकर के सजाना शुरू कर देते हैं। बोले क्यों, बोले ये व्यक्ति ठाकुर का नाम जब कर रहा है ना, ये भूर भुव मोह जन तप सत्य लोग पार करते जब गोलोक वृंदावन जाएगा, उसका रास्ता में मैं आरती उतारूंगा। तीसरा काम किया, गोलोक वृंदावन में राधा रानी अपना सखी को कहते, बोले सखी रजिस्टर ले आ और इसका नाम तो रजिस्टर में लिख दो। बोले क्यों, ठाकुर का नाम जब कर रहा है ना, वो सीधा मेरे पास में आएगा। मतलब इतने महिमा है, जो व्यक्ति ठाकुर जी का नाम जप करते हैं, इतना महिमा। बोले ठाकुर का नाम को कौन जप कर सकता है, बोले जनेई पूर्व सत जन्मम वासुदेव समर्चनम तन्मुखे हरि नामानी सदा तिष्ठति भारत। कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं, बोले कौन व्यक्ति प्रभु का नाम जप कर सकता है, बोले वही कर सकता है जो पूर्व जन्म में 100 जन्म तक जिसने ठाकुर का नाम ठाकुर जी की अर्चन पूजा की है, इसी जीवन में वही व्यक्ति ठाकुर जी की नाम को जप कर सकता है। इसलिए महाप्रभु कहते हैं नाम नामकारी बहुधा, मतलब भगवान की अनंत नाम है कृष्ण की, कृष्ण गोविंद दामोदर कितने ठाकुर का नाम है। निज सर्व शक्ति तत्रार्पिता, ठाकुर ने किया क्या कलयुग में, सारे शक्ति उन्होंने नाम में दे दिया। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं राम ना सकई नाम गुण गाई, नाम में इतने शक्ति है, भगवान राम भी स्वयं अपना नाम की महिमा को ठाकुर भी नहीं बता सकते हैं, इतने महिमा ठाकुर जी के नाम में। इसलिए कहते हैं ना, हरि से बड़ा हरि का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम, अंत में निकला यह परिणाम, अंत में निकला यह परिणाम, हरि से बड़ा हरि का नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम, जिस सागर को लंग सके ना बिना ही फूल के राम, राधे राधे जिस सागर को लंग सके ना बिना फूल के राम, राधे राधे खुद गया मानव जी को, खुद गया मानव जी को, लेके राम का नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु
कहते हरि से बड़ा हरि का नाम। इसलिए ठाकुर जी नाम में सारे शक्ति फेर किया, बोले नियमित स्मरण न कालो। ठाकुर जी ये नहीं बताए, देखो जब केवल पवित्र अवस्था में रहोगे मेरे नाम लेना, अपवित्र अवस्था में नहीं ले सकते। ठाकुर ये भी नहीं बताए, किसी समय में भी अजामलिका कथा आएगा, किस समय नाम लिया था, जिस समय जमदूत उसको पकड़ कर ले जा रहे, बिस्तरा में लेटा हुआ टाटी पेशाब कर रहा था डर से, पकड़ कर ले जा रहे, उसने चित्कार करके बोला, फिर किसको बोला, अपना बेटे को बोला, भगवान को नहीं बोला, अपना बेटे का नाम नारायण रखा था, अपना बेटे नारायण को बुलाया। देखो ठाकुर का नाम कितना महिमा, अपवित्र अवस्था में ठाकुर जी को नहीं अपना बेटे को, और चित्कार करते हुए कोई स्थिर बुद्धि से नहीं बोला, लेकिन देखो ठाकुर का नाम में कितने शक्ति, विष्णुदूत आ गए, जमदूत को मार मार कर भगा दिए और उनको रक्षा किया है। इसलिए भगवान के नाम लेने के लिए ठाकुर जी कोई भी पाबंदी नहीं रखे। इसलिए महाप्रभु अपना जीवन में सिखा दिया। एक दिन महाप्रभु शौच क्रिया में जा रहे थे, अपना जीवा को पकड़ कर रखे थे। एक भक्त था गोपाल, बोले प्रभु जी आप ये जीवा के क्यों पकड़ कर रखे हो। बोले गोपाल ये जीवा बात ही नहीं सुनता है, ये हर समय हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, ये हर समय ठाकुर का नाम ही लेते रहा है। अभी मैं शौच क्रिया में जा रहा हूँ। गोपाल ने कहा प्रभु अगर कोई व्यक्ति अंतिम सज्जा में लेटा हुआ बिस्तरा में ही टाटी पेशाब कर रहा है, क्या वो ठाकुर का नाम नहीं लेगा। महाप्रभु इतने खुश हो गए, महाप्रभु शिक्षा दे रहे थे, हैं शिक्षा दे रहे थे, इतने खुश हो गए, बोले गोपाल आज से तू गोपाल नहीं, तेरा नाम गोपाल गुरु, तेरा नाम गोपाल गुरु नाम महाप्रभु ने दिया, शिक्षा दिया प्रभु का नाम जप करने के लिए कोई पाबंदी नहीं। देखो लास्ट में महाप्रभु एक बात दुखी होकर कह रहे, बोले कलयुग में मैंने इतने सरल मैंने कर दिया, लेकिन तब भी ये कलयुग का जीव भगवान का नाम नहीं लेते हैं। बोले सुलभ हम भगवत नाम जिह्वा च बसवर्तिन, भगवान ये नहीं बताए, देख अगर तू मेरा नाम लेगो ना कुछ पैसा देना पड़ेगा, रुपया देना, भगवान ने बोले नहीं। हाँ बोले सुलभ हम भगवान का नाम लेने के लिए कोई रुपया पैसा की जरूरत नहीं। बोले जिह्वा च बसवर्तिन, जो जिह्वा हमारी बस में है, ये जिह्वा को जैसे बोलोगे वैसे तो काम करेगा ना। अगर बोलोगे दुनियादारी की बात करो, दुनियादारी का बात करेगा। बोले ठाकुर का नाम जप कर, ठाकुर का नाम जप करेगा, तब कहते तथापि नरकम जाती, तब भी बड़ा आश्चर्य बात है, तभी कलयुग का जीव ठाकुर का नाम नहीं लेते हैं, तभी कलयुग में नरक जाते हैं, कि आश्चर्य था परम, इससे आश्चर्य क्या हो सकता है। इसलिए कलयुग में ठाकुर जी सबसे सरल उपाय दिया, उठते बैठते जब घर में झाड़ू लगाओ समझो ठाकुर के मंदिर में झाड़ू लगा रहा हूँ। जैसे गोपियाँ घर में झाड़ू लगाते हैं, क्यों झाड़ू लगाते हैं, बोले ठाकुर जी जब घर में आएंगे नहीं तो घूमेंगे, अगर मैला होगा ठाकुर के चरण में धूल लग जाएगा, इसलिए घर में झाड़ू लगाते हैं। हाथ में तो झाड़ू लगाते हैं लेकिन मुंह में क्या करते हैं, बोले गोविंद दामो दर माधवेति, गोविंद दामो दर माधवेति, गोविंद दामो दर माधवेति, गोविंद दामो दर माधवेति। भगवान की नाम लेते हैं, सुंदर गोपाल प्रभु है उनको, उनको बुला लो। इसलिए भगवान के नाम जप करते हैं, गोपियाँ जैसे बच्चों को थपथप लगा कर सुलाती हैं, और इधर ठाकुर का नाम लेते हैं, रसोई बनाती हैं। आप लोग रसोई बनाए हो, कौन कौन रसोई बनाते हैं, आप देखना जीरा के जब छोंकते हो, जब मिर्च को छोंक उसका रंग कैसे हो जाता है, काला काली हो जाता है ना काला, बस उसको देखते कन्हा की याद आता है, उसको देखते ही किसका याद आता है, ठाकुर को गोविंद देव की याद आता है। इसलिए उन्होंने हर पल पल में ठाकुर जी को स्मरण करते थे, हाथ में काम और मुंह में ठाकुर जी की बास, काम ही बन गया, इतने सरल उपाय ठाकुर जी दिया। इसलिए कलयुग में भगवान की नाम को हमें
सदगुरु से प्रभु का नाम को लेकर के हमें कलयुग में भगवान के नाम जप करने चाहिए। बोले श्री हरि नाम संकीर्तन की, बोले श्री सच्चिदानंदन गौर हरि की, हिताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। देखो ओ, अगर वो नहीं आएंगे ना तुम थोड़ा सा बोल देना, नहीं तो ये जो चरित्र है ना कल आएगा, चरित्र नारदी का चरित्र कल। हाँ कोई भजन का, हाँ गोपी हरि का भजन करगा। हाँ हाँ देखो कथा को हम यही विश्राम देते हैं, हमारे प्रभु जी एक भजन गा रहे हैं। हाँ बोलो। हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा, हरे प्रभु हरि का भजन करो, हरि आज इसने फल दिया क्या? इसने आज फल दिया क्या? किसने दिया? केला है तो अगर कोई दिया हुआ अगर नाम अगर आना उसमें भी करते हैं ना लोग उत्साह अगर दूसरे दिन भी कुछ देते हैं कुछ करके आओ अगर कोई दिया हुआ नाम बोल दिया
आदमी थी। क्या फल मंगाया? फल मंगाया उन्होंने। कौन सा फल मंगाया? और गोपाल जी की मम्मी ने मंगाया कचौरी और मिठाई। कचौरी और मिठाई। जय हो जय हो। फल कटोरी मिठाई तीन चीज है, फल कचौरी और मिठाई। फल कचौरी फल मिठाई मिठाई। जय हो जय हो। फल मिठाई मिठाई भी है। जय हो। कचौरी भी है। हाँ जी कचौरी भी है। जय हो। आज दर्शन करके सब प्रसाद लेके फूल माला दे दो देंगे ठाकुर। हाँ आप इधर आ जाओ, इधर आ जाओ बेटा, आप अभी इधर आ जाओ। लो आप इधर लो, आप उनको बैठा दो, आप उनको बैठा दो, ये ठाकुर का प्रसाद है। भागो सनातन क्या नाम तुम्हारे? हेलो जय 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 जय
Jai Jai Radha Raman Hari Om, Jai Jai Radha Raman.
लाल की जय, आज के आनंद की जय, गोविंद देव की।